श्रद्धेय नागर जी और सम्मानित नागरिकों, अधिकारियों, लखनऊ के निवासियों, लखनऊ मेरे लिए बहुत नई जगह है। नई इस मायने में कि रोज़ जिस प्रकार मैं गांव में घूमता हूं उससे भिन्न आप जैसे विद्वजनों के सामने आज उपस्थित हुआ हूं। जब यहाँ लखनऊ में भाषण देने की बात हुई तो सबसे पहले मेरे सामने बात यह आई कि मैं एक गांव का आदमी, आप में से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो 10 परिवार के गांव में जन्मा हो, और मेरा ज़्यादा समय गांव में बीतता है। पिछले 30 वर्षों से विद्यार्थी जीवन के 2-1 वर्ष छोड़कर, जबकि मैं लाहौर में रहा, इसके अलावा कोई बड़े शहरों में रहने का मुझे मौका नहीं मिला और शहरों की जो तहजीब है उसका मुझे कोई अनुभव नहीं है। दूसरी बात यह है कि मेरी भाषा ऐसी है जिसका बुद्धि से कम वास्ता पड़ता है लेकिन हृदय से ज़्यादा वास्ता पड़ता है, और इसके मार्फत मैं हमेशा जो आम लोगों की व्यवहार बुद्धि है, विजडम है, उसी का संग्रह करके उसको फैलाता रहा हूँ। लेकिन हम जिस युग में रहते हैं उसमें हमारे पास ज्ञान का तो बहुत बड़ा भंडार है लेकिन व्यवहारिक बुद्धि के लिए इसमें कोई स्थान नहीं है। प्रवाह के विरुद्ध तैरने वाला होने के नाते मैंने अपने एक और मौका उपहास का पात्र बनने का ये अवसर अपने हाथ में आता देखकर इसे स्वीकार किया है, और आप सब जानते हैं कि प्रवाह के विरुद्ध तैरने वालों के पास कई तरह के पुरस्कारों की पूंजी होती है, उनमें उपहास पहला पुरस्कार है। उसके दूसरे 3 उपस्कार हैं, उपेक्षा, अलगाव और अपमान, और मुझे आशा है कि मेरी गंवारू भाषा और विचारों के बदले आप सब विद्वज्जन अपनी तरफ से उपहास का भरपूर पुरस्कार देने में कोई कोताही नहीं रखेंगे इस भाषण के बाद। लखनऊ बहुत लंबे अरसे से तहजीब का केंद्र रहा है और इसके साथ साथ सत्ता और शासन का केंद्र भी। मेरा पिछले 30 वर्षों से लखनऊ से संबंध रहा और उसकी जो स्मृतियां हैं वो बहुत सुखद नहीं हैं। मैं प्रायः गांव के लोगों के दुख दर्दों को लेकर उनकी फरियादी के रूप में यहाँ लखनऊ आया और हमेशा यहाँ से मुझे खाली हाथी लौटना पड़ा। सेवा कार्यों के बारे में जिसने देश और दुनिया का ध्यान आकर्षित किया, आपने जिक्र किया चिपको आंदोलन ने, उस आंदोलन की शुरुआत भी लखनऊ से हुई और ये बात किसी को मालूम नहीं है। हम लोग पहाड़ों में सोचते थे कि पहाड़ों की गरीबी किस तरह से दूर हो, तो एक ही रास्ता था कि वहाँ पर जंगल बहुत थे। अब जंगलों के काम करने वाले जो ठेकेदार हैं उनको मालदार कहते थे, हमारे पहाड़ में तो कोई इतनी पूंजी वाला आदमी होता नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा कि छोटी छोटी खादी ग्राम उद्योग की संस्थाएं बनाकर और उनके माध्यम से वहाँ लीसे के कारखाने खोलें, क्योंकि बरेली में सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा कारखाना चलता था। तो हुआ ऐसा कि इन कारखानों को लीसे के जो दाम था वो रखा गया सरकार की ओर से 145 रुपये क्विंटल, और बरेली की जो फैक्ट्री थी उसको मिलता था 85 रुपये क्विंटल। तो हम उस फरियाद को लेकर मैं और मेरे साथी चंडी प्रसाद जी भट्ट यहाँ लखनऊ में आ गए। बड़ी मुश्किल से हम किसी तरह से साक्षात्कार प्राप्त कर सके उच्चाधिकारी महोदय से। आखिर में हमने कहा हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि बरेली की फैक्ट्री को जिस भाव पर लीसा मिलता है उसी भाव पर हमारे पहाड़ की फैक्ट्रियों को मिलना चाहिए, छोटी छोटी इकाइयों को। उन्होंने कहा बरेली की बात दूसरी है, उसको छोड़ दो। तो बस उसके बाद हमने कहा कि अब यहाँ आना तो बेकार है, अब वहीं लोगों के पास जाएंगे। तो इस तरह से चिपको आंदोलन के लिए बुनियाद बनी थी। जब यह आंदोलन कुछ ही महीनों का शिशु था तो लखनऊ से हमें एक प्रमाण पत्र मिला सरकारी फरमान के रूप में कि ये बीमारी की दवा तो अच्छी है लेकिन अनाड़ी के हाथ में है, क्वैक्स के हाथों में है, इसलिए इससे नुकसान होने वाला है। इससे मुझे वैज्ञानिक वानिकी की प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा मिली और हमने जितने करीब 28 वर्किंग प्लान्स जो थे वो पढ़ डाले। जब इस शिशु ने चलना और बोलना प्रारंभ किया, ख़ास तौर से जब इसका महान मंत्र प्रकट हुआ जिसने इसको विश्वविख्यात बनाया है, आप लोगों को शायद मालूम न हो, वो मंत्र था क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और व्यार, मिट्टी पानी और व्यार जिंदा रहने का आधार। बस ज्यों ही इस मंत्र का उद्घोष हुआ तो फिर
हमको करार दिया गया कि विज्ञान के विकास के और लोकतंत्र के दुश्मन है। और 7 साल पहले ये घोषणा यहीं लखनऊ से हुई थी, तो इससे हमें एक और प्रेरणा मिली कि हमने इस आंदोलन को विज्ञान के साथ, विकास के साथ और लोकतंत्र के साथ जोड़ना शुरू किया, उसका हमें अवसर मिला। इस प्रकार लखनऊ का योगदान मेरे जैसे ग्रामीण कार्यकर्ता के जीवन में अधिक पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देने का रहा है, और मैं लखनऊ वासियों का बहुत आभारी हूँ और लखनऊ की सरकार का इसके लिए, हमको इस तरह का पुरुषार्थ करने की प्रेरणा न मिलती और ये आंदोलन पूरे विश्व में न फैलता अगर ये छोटी सी घटना लखनऊ में न होती। इस परिस्थिति में भी इस व्याख्यान के निमंत्रण को स्वीकार करने का साहस मैं इसलिए बटोर पाया कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पावन स्मृति में हो रहा है, और वो भारत की ग्रामीण जनता के साथ इतने एक रूप हो गए थे कि वो जो राष्ट्रपति भवन ब्रिटिश राज के दौरान में भोगवादी सभ्यता का केंद्र था, उसको उन्होंने भारतीय संस्कृति का जीवंत प्रतीक बना दिया। उनके जीवन में आदर्श और व्यवहार की दूरी, जो आज हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी कमजोरी है, समाप्त हो गई थी। मैं तो प्रत्यक्ष उनके संपर्क में नहीं आया था, लेकिन मीराबेन जी जिनके साथ में काम करता था, तो उनके पास दिल्ली में जाती थी और राष्ट्रपति भवन में टिकती थी, तो वो मुझे बताती नहीं थी कि राष्ट्रपति भवन में कैसा कैसा है और वो किस तरह से सादगी से रहते हैं। इसकी वजह से उनकी बातें सुनकर गांधी जी के विचारों के प्रति युवावस्था में ही मेरी आस्था बहुत दृढ़ हो गई। बापू जी ने स्वयं कहा था कि राजेंद्र बाबू का जैसा विनम्रतापूर्ण व्यवहार और प्रभाव है, वैसा कहीं भी किसी भी नेता का नहीं है। मैंने इस व्याख्यान के लिए जो विषय चुना है, सभ्यता का संकट और संस्कृति का संदेश पर्यावरण के संदर्भ में, इसकी प्रेरणा भी मुझे राजेंद्र बाबू के जीवन और कार्य से मिली। जब वो भारत के पहले कृषि मंत्री बने थे, तो उस समय तो हम अकाल की स्थिति से गुजर रहे थे। 1942 में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था बंगाल में, और फिर लड़ाई से परिस्थिति और ख़राब हो गई थी। बर्मा से चावल का आना बंद हो गया था, और देश में करोड़ों लोगों को भूख से बचाने के लिए एक ही रास्ता था कि हम विदेश से अनाज मंगाएं। तो उन्होंने अपनी दूरदृष्टि से ये बात देख ली कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश को अपनी खुराक खुद पैदा करनी चाहिए, और फिर उन्होंने लोगों से अपील की कि भाई जिससे जो बन पड़े, अधिक अन्न पैदा करने के लिए जितना कम अन्न खर्च कर सकें करें, और जितना बचा करके दूसरों के लिए दे। उनकी अपील पर हजारों लोगों ने उस समय खाना कम कर दिया था, और उन्होंने निश्चय किया था कि समय समय पर उपवास करके अन्न बचाएंगे। अब आती है सभ्यता की बात। आखिर जिसको आज हम सभ्यता मानते हैं वो है क्या? सामान्यतः जो 300-400 वर्ष पहले यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई और उसने एक नई सभ्यता को जन्म दिया, उसी को आज हम सभ्यता मानते हैं। इस सभ्यता ने जीवन के प्रति और प्रकृति के प्रति मनुष्य के दृष्टिकोण में एक बुनियादी परिवर्तन कर दिया। भाप के इंजन ने मनुष्य के हाथ में असाधारण शक्ति दे दी, और इस शक्ति का प्रयोग करके प्रकृति के साथ व्यवहार करने का उसका जो रिश्ता था वो बिल्कुल बदल गया। अब प्रकृति उसके लिए एक संसाधन मात्र रह गई, और इस संसाधन का स्वामी बन गया। इसके अलावा वो अपने को अन्य जीव जंतुओं से बड़ा मानने लगा, क्योंकि प्रकृति पर काबू पाने की शक्ति और साधन उसके अलावा किसी दूसरे के पास तो थे नहीं। दूसरे उसने समाज की परिभाषा बदल डाली। पहली बार वो केवल मानवों के समाज ही माना जाने लगा, समाज केवल मानवों के समाज तक सीमित कर दिया गया। ये दो मान्यताएं आज की मानव सभ्यता के विकास का आधार बनी। प्रकृति वस्तु है और समाज केवल मानवों का है। सीएम जोड की किताब जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब भी पढ़ाई जाती थी, उनका सबक अवर सिविलाइजेशन, और मुझे ताजुब हुआ कि आज भी पढ़ाई जाती है। तो वो कहते हैं इस सभ्यता का गुणगान करते हुए कि इसने हमको इतनी सुविधाएं प्रदान की हैं जो कि हमारे पूर्वजों को उपलब्ध नहीं थी, और जिस समाज में अधिक से अधिक सुविधाएं हों वही सभ्य समाज आज कहलाया जाता है। इन सुविधाओं में संचार और यातायात के साधन हैं, भोग विलास और मनोरंजन और आराम की चीज़ें हैं, और इन सब साधन सुविधाओं का केंद्रीकरण नगरों में हुआ है, इसलिए नगरीकरण को भी विकास का एक मानदंड माना जाता है। इस शताब्दी में
नगरों में रहने वाली जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है और अब कहते हैं कि भारत में 32 करोड़ लोग नगरों में रहने लग जाएंगे। तो नगरों की जो अनियंत्रित वृद्धि हुई है और उससे जो समस्याएं पैदा हुई हैं, उससे जो विकसित देश माने जाते हैं वो बहुत भयभीत हो उठे और कई देशों ने अपने नगरों की संख्या को, उसकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए नियम बना दिए, बड़े कड़े कड़े नियम कि अब इस नगर की इससे आगे वृद्धि नहीं होगी। लेकिन हमारे जो देश में तो नए नए नगर बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और नगर ही नहीं उपनगर ही बढ़ते जा रहे हैं। अब लखनऊ के इर्द गिर्द ही कई उपनगर बढ़ गए हैं। नगरों में जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उन्हें गांव तक पहुंचाने का प्रयास विकास का एक मुख्य कार्यक्रम है। हमने विपुलता को विकास माना है, एफ्लुएंस को, और जिस समाज के पास भोग की जितनी अधिक वस्तुएं होंगी वो उतना ही अधिक विकसित माना जाएगा। अभी भोग की वस्तुएं आएंगी कहाँ से? आखिर इन सब का भंडार तो पृथ्वी है, चाहे ये अनभिकृत साधन हो, धातु खनिज तेल हो, और चाहे चरागाह वन कृषि भूमि और समुद्र जैसे नवीकृत होने वाले साधन हो। विपुलता वाले विकास के लिए मनुष्य ने तकनीकी की मदद से प्रकृति के भंडारों का असीमित दोहन किया है और आज जो वैभव दिखाई देता है वो स्वाभाविक नहीं है। ये तो अलीबाबा की तरह मनुष्य के हाथ में तकनीकी की चाबी लग गई और प्रकृति की जो सदियों की जमा पूंजी थी उस चाबी से उसने खोला और एकाएक हम समृद्ध हो गए, संपन्न हो गए। ये संपन्नता स्वाभाविक नहीं है, ये तो एकाएक आई है। और दूसरी बात ये कि विकास के नाम पर भी धनी और गरीब देशों में समान रूप से आज लूट जारी है और इसका हिस्सा बटाने में अमीर देश बाजी मार रहे हैं। आप देखिए, जिसको विकास माना जाता है कि प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ेगी, 1965 और 75 के बीच में गरीब देशों की आय में तो 16 रुपये वार्षिक की वृद्धि हुई, लेकिन अमीर देशों की आय में 1040 रुपये वार्षिक की वृद्धि हुई, 65 गुना अधिक। दुनिया के धनी देशों के वैभव का आधार उनका औद्योगिक उत्पादन है। उन्होंने विकास का अपना मानदंड सारे विश्व में फैलाया है और आज उनके पैमाने से गरीब माने जाने वाले देशों के सामने वे आदर्श बन गए हैं। इस आदर्श की प्राप्ति के लिए वे धनी देशों को अपनी सहायता के लिए आमंत्रित करते हैं। हर गरीब देश में ये होड़ लगी हुई है कि धनी देश हमारी किन किन विकास योजनाओं के लिए थैली लेकर आए, और इसके लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ गरीब देशों में कार्यरत हैं। 1950 और 65 के बीच अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने 274% नफा कमाया और इन देशों के कर कानूनों से बचकर वे अपने देशों को मुनाफा बेचती हैं। अकेले सन 1975 में 100 करोड़ डॉलर मुनाफा भेजा गया। उद्योग प्रधान देशों में उद्योगीकरण के कारण वायु और जल प्रदूषण की समस्याएं पैदा हो गई। जरूर भौतिक समृद्धि आई है, लेकिन जितना ही अधिक उद्योगीकरण हुआ है उतना ही अधिक जल और वायु का प्रदूषण हुआ है। हवा और पानी तो प्राणी मात्र के लिए प्रकृति की दो अमूल्य देने हैं, इन्हीं पर सारा जीवन निर्भर है, लेकिन कई प्रकार के रसायनों के उपयोग से, जीव शेषीय ईंधनों के जलने से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड जैसी गैसें मिल गई हैं और इनका प्रभाव कम करने के लिए हम लोग आमतौर पर इस गलतफहमी में रहते हैं कि जहरीली गैसें तो आ रही हैं, इनका प्रभाव करने के तकनीकी उपाय हैं, लेकिन इनका प्रभाव कम करने के लिए जो तकनीकी उपाय हैं बहुत खर्चीले, वो 100% सफल नहीं हुए हैं। मैं बर्लिन में गया था 2 वर्ष पहले, अक्टूबर के महीने में गया, तो वहाँ की माताएं बहुत दुखी थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी। मैंने कहा तो इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं? उन्होंने कहा ये ठीक है, कुछ दिन में जब बर्फ़ पड़ेगी जाड़े के दिनों और हवा नहीं चलेगी तो हमारे लिए बड़ा संकट का समय है। मैंने कहा संकट क्यों? कहने लगे सारा जो प्रदूषण है वो एक ही जगह पर घनीभूत हो जाएगा, वो छट नहीं पाएगा, और अगर उस जगह पर इत्तेफाक से हमारे बच्चे रहेंगे तो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, और वहाँ पर बच्चों की एक नई बीमारी फैली है, उसका नाम है स्यूडोक्रूप, वो सांस नहीं ले सकते और मर जाते हैं। तो तकनीकी के अब एक बात और है, कुछ लोग ऑक्सीजन की बात बहुत हल्केपन से लेते हैं, लेकिन आज हम सामान्य जीव मंडल में नहीं रहते, आज तो हम एक तकनीकी मंडल में रह रहे हैं, टेक्नोस्फीयर में रह रहे हैं, और इस तकनीकी मंडल की ऑक्सीजन की आवश्यकताएं सामान्य जीवधारियों से 15 गुना अधिक हैं। दुनिया के सब जीवधारियों की जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है
15 गुना ज़्यादा इस तकनीकी मंडल की आवश्यकता है। तो विषाक्त हवाओं का प्रभाव मानवों के अलावा वनस्पतियों पर ही पड़ने लगा है। यूरोप में त्राही त्राही मची हुई है। एसिड रेन से मुक्ति का कोई रास्ता उनको दिखाई नहीं देता है। और चाहे और इसमें कोई फर्क नहीं है, वहाँ एक बात बहुत चलती है कि समाजवादी देश हैं और ये पूंजीवादी देश हैं। लेकिन इसने एसिड रेन्स ने जो तेजाबी वर्षा है, इसने दोनों के बीच का फर्क मिटा दिया है। दोनों में समान रूप से इसका आक्रमण है, चाहे पूर्वी जर्मनी हो चाहे पश्चिमी जर्मनी हो। विश्व वन कांग्रेस में तो सभी देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे, तो रूस ने भी कहा कि भाई हमारी भी विपदा है, हमारे भी बहुत बड़े बड़े जंगल समाप्त हो गए हैं, जेकोस्लोवाकिया के तो हो ही गए, और जर्मनी के, स्वीडन के, एल्प्स में 60% पेड़ इस तेजाबी वर्षा से पीड़ित हैं। और स्वीडन के एक वन वैज्ञानिक रिमरोड विश्व वन कांग्रेस में, वैज्ञानिक तो कभी रोते नहीं हैं, लेकिन उसने रोते रोते कहा कि इस विपदा का हमारे पास कोई इलाज नहीं है, हमारा सामूहिक भविष्य जो है वो खतरे में है। और जिस वायु में पेड़ सांस लेते हैं, इसमें मिली हानिकारक गैसें, तेजाबी वस्तुएं आदि उनकी पत्तियों को नष्ट करती हैं, और इसमें कई आंतरिक क्रियाओं में गड़बड़ी पैदा होती है। जमीन का तेजाबीकरण के कारण धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। और तीसरा परिवर्तन जिसका असर एक शताब्दी में पता लगेगा, वो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि का है। इनका वन और इस धरती पर सब प्रकार के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। वनों के लिए पैदा हुए खतरों को वैकल्पिक पद्धतियां अपनाकर नहीं टाला जा सकता है। तो तेजाबी वर्षा के कारण पश्चिमी जर्मन में लगभग एक तिहाई वन मर चुके हैं, और स्वीडन में 85,000 झीलों में से 21% विषाक्त हो चुकी हैं। दूसरा प्रभाव जो औद्योगिकरण का पानी पर पड़ा है, एक ओर तो नदियाँ विषाक्त हो गई हैं, लेकिन इधर पानी विषाक्त हो गया, दूसरी तरफ पानी की आवश्यकता बढ़ गई है, और पानी का उनको शुद्धिकरण करना पड़ता है। कहते हैं कि सन 2000 में अमेरिका के पास केवल 20 मिनट के लिए शुद्ध पानी पीने के लिए रह जाएगा। अगर उनके शुद्धिकरण करने के यंत्र जो हैं वो कुछ गड़बड़ हो जाए, तो उनके ऊपर तो एक महाविपदा आ जाएगी। इसलिए एक और दूसरी बात ये हुई है कि वहाँ के लोगों को जीवंत जल पीने को नहीं मिलता। आप कहेंगे कि जीवंत जल क्या है, दुर्भाग्य से हम सब भी मुर्दा पानी पी रहे हैं। शॉबर्गर जो ऑस्ट्रिया के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 40 के दशक में ही पा लिया था कि जब हम नदी के प्राकृतिक प्रवाह को रोक देते हैं, जो कि आज सामान्य हो गया है, क्योंकि आज बिना बांध बनाए, बड़ी झीलें बनाए हुए पानी की आपूर्ति नहीं हो सकती है, तो उन्होंने कहा बांध बनाकर, झील बनाकर, स्वाभाविक नदी का प्रवाह रोककर, नदी की स्वयं को जल की जो जीवन शक्ति है, जो ट्रेस एलिमेंट है, वो समाप्त हो जाता है। इसी तरह से नलों में पानी डालकर, ख़ास तौर से लोहे के नलों में, ये पानी के जीवन समाप्त हो जाता है। अगर कुछ तो जीवन जिंदा रहता है, तो उसने कहा, जैसे हमारे यहाँ कहते थे ना कि तांबे के पात्र में रखो, उसने कहा तांबे का नल ठीक है, बाकी में ये पानी तो मुर्दा हो जाता। तो आज सारी दुनिया के लिए जो सबसे बड़ा जो खतरा है, जिसको कम लोग समझते हैं, वो मुर्दा पानी पीने की वजह से है। हम सब के सब मुर्दा पानी पी रहे हैं, इसलिए हम मौत की तरफ जा रहे हैं, नई नई बीमारियाँ की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। विकास का एक दूसरा मानदंड है अधिकाधिक ऊर्जा का उपयोग। तो वास्तव में आधुनिक मनुष्य के जीवन में एक क्षण ऐसा नहीं है जहाँ बिना ऊर्जा के काम चलता हो। घर में रसोई बनाने से लेकर दफ्तर के काम में तो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और इस ऊर्जा की पूर्ति कहाँ से होती है? कोयले से, पेट्रोलियम पदार्थ से, पनबिजली और आणविक शक्ति से। और वायु प्रदूषण का मुख्य कारण जो है, धरती के अंदर जो छिपे हुए के जीव से ईंधन है, चाहे वो कोयले के रूप में है, चाहे वो आणविक शक्ति के रूप में है, चाहे वो पेट्रोल के रूप में है, जब हम इसका विस्फोटन करते हैं, जब हम इनका कम्बस्टन करते हैं, तो उसी से ये सारा प्रदूषण पैदा होता है। और अब देखिए, आजकल परमाणु ऊर्जा की बात है, हम लोग चेर्नोबिल की वजह से बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, लेकिन कम लोगों को ये मालूम है कि परमाणु जो बिजली घर हैं, इनको ठिकाने लगाने की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ एक इस तरह की बात चल पड़ी है कि तो सबसे सस्ती बिजली है 37 पैसा प्रति यूनिट,
लेकिन अभी किसी को ये पता नहीं है कि इनको ठिकाने लगाने का खर्चा कितना आएगा, कम से कम 200 करोड़ रुपए, और उसमें भी ये सुरक्षित नहीं है। वो प्रभाव क्षेत्र रहना चाहिए संपन्न देश का, वरना यह संपन्नता टिकी नहीं सकती है। आज आप देखेंगे जो मध्य पूर्व के देश हैं और जो अफ्रीका के देश हैं, उन पर शहद की मक्खी की तरह क्यों चिपके हुए हैं लोग? इसलिए क्योंकि तेल के भंडार हैं, खनिज के भंडार हैं, और ये दुनिया के जो अविकसित देश माने जाते हैं उनके लिए इतनी बड़ी बड़ी थैलियाँ क्यों आ रही हैं? क्योंकि उनके पास प्राकृतिक संपदा भरपूर है। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स की सर्वदलीय कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन के सेलफील्ड परमाणु संयंत्र के कारण आयरलैंड के समुद्र में बहुत दूर तक रेडियो धर्मिता है। यह रेडियो धर्मिता मछलियों में स्वीडन तक पाई गई है। ऐसी बात नहीं कि इस प्रदूषण का प्रभाव केवल इन धनी देशों तक सीमित हो, उनके वैभव को कायम रखने की कीमत दुनिया के गरीब देशों को चुकानी पड़ती है। विदेशी व्यापार पर आधारित अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने के लिए उन्हें कच्चे माल के भंडारों, मुख्यतः खनिज तेल, धातु और लकड़ी पर नियंत्रण रखना पड़ता है। तो धनी देश इस नियंत्रण का उनका एक अपना पृथक तरीका है कि इन देशों को कई प्रकार की सहायताओं के द्वारा अपने प्रभाव में रखना है, और कई देशों में राजनीतिक उथल पुथल के पीछे उनका हाथ रहता है, जिससे उनके मनपसंद की कठपुतली सरकारों के हाथ में आकर शासन रहे, और इन सरकारों के द्वारा वे अपने स्वार्थों की पूर्ति मनमाने ढंग से करते हैं। दूसरे, वे युद्ध का मनोवैज्ञानिक वातावरण बनाए रखते हैं। विश्व के इतिहास में सुरक्षा पर कभी भी इतना खर्चा नहीं हुआ है जितना इस समय हो रहा है। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो यह खर्चा 3% था, और ये युद्ध तो इसलिए लड़ा गया था कि हम दुनिया में शांति की स्थापना करेंगे, लेकिन ऐसी शांति स्थापित हुई कि अभी डिफेंस पर जो खर्चा है वो 6% हो गया। और इस युद्ध में शांति स्थापना के लिए 3 करोड़ लोग मारे गए थे, 3 करोड़ जख्मी हुए, 2 करोड़ को घर छोड़ना पड़ा और 3 करोड़ घर ध्वस्त हुए थे। तो आजकल शांति के प्रयास के लिए, यानी युद्ध की तैयारी के लिए, सुरक्षा के लिए दुनिया में 80,000 करोड़ रुपए वार्षिक खर्चा होता है, और इसमें जो विकास के शिखर पर पहुंचे हुए देश हैं इनका खर्चा सबसे ज़्यादा है। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात तो ये है कि गरीब देशों के सुरक्षा व्यय में, जहाँ लोगों को पेट भरने को खाना और तन ढकने को कपड़ा और सिर छुपाने को छत नहीं है, आश्चर्यजनक वृद्धि हो गई है। युद्ध एक व्यवसाय बन गया है, और इस व्यवसाय का धनी देशों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। इसको चालू रखने के लिए वे गरीब देशों में पड़ोसी के खतरे का वातावरण बनाए रखते हैं, और उन्हें हथियार देकर रक्षक होने की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये रक्षक हथियारों के बदले अपने मनपसंद की चीज़ें ले लेते हैं। रक्षा और विकास की धनी देशों की पद्धतियों पर चलने के लिए गरीब देशों को विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है, और इनके लिए विदेशी मुद्रा भगवान से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। इसको अर्जित करने के लिए वे अपनी मिट्टी के उपजाऊपन की नीलामी कर बैठते हैं। आजकल उष्णकटिबंधीय वनों की, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की जो तबाही हो रही है वो 32 हेक्टर प्रति मिनट के हिसाब से हो रही है, और इसकी बड़ी चर्चा है सब दुनिया में। ये वन दुनिया के गर्म देशों में हैं, और जब तक इन सभ्य लोगों का इन क्षेत्रों में पदार्पण नहीं हुआ था, वे अपने वनों से खाना भी लेते थे और उसी से जिंदा रहते थे। उनकी खुराक कंदमूल थे, फल थे, वन्य जंतु भी शामिल थे। लेकिन जो हमारी औद्योगिक सभ्यता है, इसका विकास ही प्रकृति के लूट पर खड़ा है, इसलिए उन्होंने पहला काम ही किया कि तुम अन्न की खेती करो, ये उनको सिखाया, और पशुपालन भी करो, और जंगलों की कटाई इन्होंने शुरू की। तो इन वनों की लकड़ी जापान, अमेरिका और यूरोप में जाने लगी, और इसका निर्यात किस तरह बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। सन 50 में ये जो दुनिया के 3 औद्योगिक क्षेत्र थे, ये केवल 42 लाख घन मीटर लकड़ी प्रतिवर्ष आयात करते थे, लेकिन अभी ये 6,60,00,000 घन मीटर लकड़ी सन 80 में आयात करते हैं, यानी 30 वर्षों में 1500% की वृद्धि इसमें हुई है। और इस लकड़ी का आयात क्यों करते हैं धनी देश? पिछले अप्रैल में मुझे इंग्लैंड के वृक्षों के बारे में एक सम्मेलन हो रहा था, तो वहाँ हमारे मित्र ले गए। इस सभा में इंग्लैंड के वनविद भी थे और पर्यावरणविद भी थे। तो जो पर्यावरणविद थे उन्होंने कहा, तुम इस देश को तबाह कर रहे हो, क्योंकि तुम यहाँ सब जगह शंकुधारी वृक्ष लगा रहे हो, चीड़ी चीड़ लगा रहे हो। तो वन
वालों ने कहा कि भाई हम करें क्या, इस देश की आवश्यकताएं इतने ज्यादा हैं, इसकी पूर्ति कैसे होगी। तो इंग्लैंड के पर्यावरणवादियों ने इस पर सख्त आपत्ति की, हमारे यहाँ चीड़ नहीं लगना चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा कि देखो भाई, हमें विदेशों से लकड़ी आयात करनी पड़ती है, और जिन देशों से हम लकड़ी आयात कर रहे हैं वहाँ के जो गरीब लोग हैं उन पर इसका असर पड़ता है, वहाँ के पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है, इसलिए हमको स्वावलंबी बनना चाहिए। तो आप जानते हैं पर्यावरणविद क्या कहते हैं, कहने लगे हम एक व्यापारी राष्ट्र हैं, हम तिजारत करते हैं, हम यहाँ से अपनी चीज़ें वहाँ भेजेंगे, अरे गर्म देश हैं, इनको हमारे लिए लकड़ी उगाने दो। तो इसी प्रकार की बहस जर्मनी में भी छिड़ पड़ी। जर्मनी तो आप जानते हैं किस समय पर्यावरण की रक्षा का एक अग्रदूत बना हुआ है, और वहाँ पर जो हरित दल है वो काफ़ी आगे बढ़ गया है। उन्होंने इस वर्ष अपना पहला राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन किया और मुझे भी बहुत आग्रहपूर्वक उसमें बुलाया। तो वहाँ भी फिर यही बहस छिड़ पड़ी कि हम गरीब लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, गरीब देशों के लिए क्या कर रहे हैं, वहाँ के वनों को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। तो सरकार की ओर से जवाब मिला कि हम उनको आर्थिक सहायता दे रहे हैं। तो मैंने कहा आर्थिक सहायता तो आप रहने दीजिए, मेरी आपसे एक प्रार्थना है, वहाँ से जो आप लकड़ी का आयात बंद करते हैं, सब धनी देश, उसको बंद कर दीजिए, जो आप लकड़ी का आयात कर रहे हैं वहाँ से उसको बंद कर दीजिए, तो वहाँ के जंगल बच जाएंगे और एक व्यवहारिक कदम होगा और जर्मनी के इस कदम की सर्वत्र सराहना होगी, और दूसरे देशों में फिर हम जोर डाल सकेंगे कि जर्मनी ने बंद कर दिया, अब आप भी करो। तो लकड़ी उद्योग ने कहा कि कोई बहुत ज़्यादा थोड़ी मंगाते हैं, हम तो सिर्फ 15 लाख घन मीटर लकड़ी का आयात करते हैं और अपने यहाँ से 2 करोड़ 90 लाख घन मीटर लकड़ी दूसरे देशों को निर्यात करते हैं। तो आप इस गोरखधंधे को लोग कैसे समझते हैं कि भाई 2 करोड़ 90 लाख तो बाहर भेज रहे हैं और सिर्फ 15 लाख अंदर मंगा रहे हैं। तो पर्यावरणविदों ने फिर पूछा, तो जब इतनी लकड़ी हमारे पास है तो क्यों मंगा रहे हो। तो उन्होंने आखिर में कहा कि अब तुम ही बताओ कि तुम पियानो बजाना छोड़ दोगे, इस लकड़ी से हम पियानो बजाते हैं, ये लकड़ी खूबसूरत है, टिकाऊ है, सस्ती है और इससे बहुत सी विशिष्ट वस्तुएं बनती हैं। तो मुझे अत्यंत भारी हृदय से कहना पड़ता है कि स्विट्जरलैंड में वहाँ के जो अमीर लोग हैं उनको तब तक कब्र में आराम नहीं मिलता जब तक वो एवरी कोस्ट की लकड़ी के कफन में न लिटाया जाए। तो एक प्रतिष्ठा की चीज़ बन गई है, धनी देशों की इस प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए गरीब देशों के जंगल तबाह हो रहे हैं। इतनी बात नहीं है, जापान अपने मांस पैदा करने के लिए अमेजन के जंगलों की हजामत कर रहा है, अमेजन के जंगलों में उनके भैंसा फार्म, और संयुक्त राज्य अमेरिका का सारा जो मांस है वो दक्षिणी अमेरिका के जंगलों से आता है। तो इन वनों की कटाई से मिट्टी का क्षरण, मौसम में परिवर्तन, सूखा और अकाल गरीब देशों में एक सामान्य घटना हो गई है, और जो समशीतोष्ण वन हैं यूरोप के जो वन हैं उनसे भिन्न जो उष्णकटिबंधीय वन हैं इनकी संरचना बहुत जटिल होती है। थोड़ी जगह पर आप कई प्रकार की वनस्पतिक प्रजातियाँ पाएंगे और कई प्रकार के जीव जंतु पाएंगे, और इनका आपस में अन्योन्याश्रित संबंध होता है, कोई बता नहीं सकता कि कौन सी प्रजाति को हटाने से उसका असर कितनों पर पड़ेगा, और ये सब जगह हो रहा है। इसने जो उष्णकटिबंधीय वन कटे हैं उसका एक बड़ा भारी दुष्परिणाम ये हुआ है कि कई वनस्पति प्रजातियां हमेशा के लिए लुप्त हो गई हैं। 1977 में जो जांच पड़ताल की गई थी तो उसमें अनुमान था कि 20,000 प्रजातियां लुप्त हुई हैं, लेकिन अभी अभी क्यू गार्डन की ओर से जो रिपोर्ट निकली है उनका कहना है कि 60,000 प्रजातियाँ जो हैं जो कि 20-25% के करीब हैं सब प्रजातियों के, इनके लुप्त हो जाने का खतरा है 2000 तक। और केवल इतना ही नहीं, अब आप देखिए जीव जंतु किस तरह लुप्त हो रहे हैं। कुछ वर्ष पहले 70 फुट गहरे समुद्र में 250 जातियाँ समुद्री जीवों की पाई गई थी, अब उनमें से 30 ही रह गई हैं। तो हमें इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि सब घटनाएं हमसे दूर देशों में हो रही हैं और हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। वस्तु स्थिति तो ये है कि दुनिया के जो रहे सहे उष्णकटिबंधीय वन हैं वो सारी मानव जाति के प्राणवायु के भंडार हैं। इसके अलावा वन कार्बन डाइऑक्साइड का प्रदूषण भी करते हैं।
इस समय वनों का विनाश इसीलिए जागतिक चिंता का विषय बना है। अब आप देख लीजिए, अपने देश में आज़ादी के बाद वन क्षेत्र केवल आधा रह गया है और ये 11% के करीब है। इसमें भी जो असली जंगल है, जो कि 60% या अधिक जिसमें घनत्व होना चाहिए, जो वन का कार्य कर सकते हैं, तो वो तो बहुत ही कम है। और फिर वही वन जिसका घनत्व बहुत घना हो, उसी में मिट्टी का क्षरण रोकने की क्षमता होती है और पानी का संरक्षण करने की क्षमता होती है। भारत में वनों का व्यापारिक दोहन पिछली शताब्दी में प्रारंभ हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते हुए व्यापार के कारण और यूरोप में जो लड़ाइयाँ लड़ रहे थे वहाँ उनके सारे ओक के जंगल ख़त्म हो गए। अब फिक्र ये पड़ी कि अपने व्यापार बढ़ाने के लिए जहाज कैसे बनाएं, तो फिर भारत में खोज हुई कि कौन सी अच्छी लकड़ी है। उनकी निगाह मालाबार के सागौन की लकड़ी पर पड़ी। उसके बाद तो फिर रेलों की आवश्यकता, फिर उन्होंने देखा कितना बड़ा देश है। जब 1957 का विप्लव हुआ, इस पर शासन करने के लिए ठीक यातायात व्यवस्था चाहिए, तो फिर रेलें बिछाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता पड़ी। और फिर नगर जब बढ़ने लगे उनके लिए लकड़ी की आवश्यकता पड़ी। और फिर पिछला जो महायुद्ध है, दोनों महायुद्धों की, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों का सफाया। तो आज़ादी के बाद खेती के विस्तार, बांध और अन्य विकास योजनाओं के लिए 42 लाख हेक्टर वनों का सफाया हुआ। और ये जो पश्चिमी ढंग के विकास के साथ ही कृषि के व्यापारिक प्रबंध का विचार भी जुड़ा हुआ है। अब कृषि का जो व्यापारिक प्रबंध है, इसका वनों पर दो प्रकार का असर पड़ा। पहला असर तो ये पड़ा कि जो मिश्रित प्राकृतिक वन थे उनकी जगह पर एकल प्रजाति के और जल्दी उगने वाले पेड़ों के खेत में बदल गए। यानी कृषि की जो पद्धतियाँ थी एक ही प्रकार की फसल उगाने की, वैसे तो प्राकृतिक पद्धति कृषि की भी एकल प्रजाति की फसल उगाने की नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वनों के कच्चे माल की ज़रूरतें बढ़ने लगी, हमने कृषि की उन पद्धतियों को वनों में भी लागू कर दिया। और ये वन जो थे, ये लकड़ी और औद्योगिक कच्चे माल के खाने बन गई, लेकिन मानव जीवन के लिए जो दो आवश्यक पैदावार हैं वनों की, मिट्टी और पानी, जो उनको मिलती थी, उसका ह्रास हुआ है। ख़ास तौर से नदियों के पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्रों में शंकुधारी वनों के पनपाने से पानी के स्रोत सूखने लगे। हिमालय में वन विनाश के कारण पिछले 30 वर्षों में उत्तराखंड और कुमाऊं के क्षेत्र में 45% स्रोत सूखे हैं। और ये कुमाऊं विश्वविद्यालय का हाल का अध्ययन है। फिर उन्होंने इसकी पुष्टि के लिए कि भीमताल के क्षेत्र के आसपास के उनका सर्वेक्षण किया डॉक्टर वल्दिया जी ने, और उन्होंने पाया कि 45% स्रोत जो हैं वो सूख गए हैं। इसका नदियों के बहाव पर और अंततोगत्वा सिंचाई की क्षमता तथा बिजली के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हम सब जानते हैं कि हमारी जल विद्युत योजनाएँ हैं जिनमें 3 टरबाइन हैं, 1 टरबाइन पूरे साल चलेगा, 2 टरबाइन 8 महीने चलेंगे और 3 टरबाइन केवल 3 ही महीने चलेंगे। हमारी सब की सब जल विद्युत योजनाओं का जो हिमालय में बनी है उनका यही हाल है और इसी तरह मनाई जाती है, क्योंकि नदियों का जो बहाव है वो बहुत ही अस्थिर हो गया है। दूसरी, हमारी पानी की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं। 1975 में जितनी हमारी पानी की आवश्यकता थी, 2025 में उसके तिगुनी हो जाएगी। और नदियों पर जो बांध बने हैं, आप जानते हैं हमारे यहाँ कालागढ़ बांध का क्या हाल है, ये बहुत तेज़ी से गाद से भरने लगेंगे। टेरी में तो अभी बांध बने नहीं है, लेकिन भागीरथी का तल जो है वो 21 फीट ऊँचा हो गया है। जो वैकल्पिक सुरंग बनाने के लिए जो मलबा डाला गया, उससे जो थोड़ा सा अवरोध हुआ, उसी से भागीरथी 21 फीट ऊंची हो गई है पिछले 8 वर्षों में। तो दूसरी तरफ ये तो हिमालय का हाल है, लेकिन पश्चिमी घाट का और बुरा हाल है, क्योंकि हिमालय की नदियों को तो कुछ हिमानियों से पानी मिल जाता है पिघल पिघल कर, लेकिन पश्चिमी हाल घाट में स्थिति यह है कि हाल ही में जब वहाँ बारिश नहीं हुई थी, अब सौभाग्य से 2-3 दिन से वहाँ वर्षा शुरू हो गई है, तो वहाँ के मंत्री महोदय ने कहा क्या करें, बांधों का स्तर घट गया है, अब आप सब लोग मंदिर मस्जिद और गिरजों में जाकर वर्षा के लिए प्रार्थना करो, हमारे हाथ की कोई बात नहीं। तो इस तरह की असहाय स्थिति जल स्रोतों के ह्रास के कारण हमारी बनी है। जो हमारे सभी उपजाऊ मैदान हैं नदियों की घाटियों में, इनका उपज ये उपजाऊ इसलिए बने क्योंकि नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों की जो उपजाऊ मिट्टी थी उस वो यहाँ पर बिछी, और उसकी वजह से ये उपजाऊ
बने हैं। ये जंगल एक तरह से मिट्टी बनाने के कारखाने हैं। और कुछ वर्ष पहले यहीं जौनपुर के किसानों ने पाया कि सब कृषि की नई पद्धतियां अपनाने के बावजूद भी और सिंचाई करने के बावजूद भी रासायनिक खाद डालने के बावजूद भी पैदावार घट रही है। तो फिर कृषि वैज्ञानिकों के पास गए कि क्या बात है। उन्होंने कहा भाई ये हिमालय से आने वाली नदियों से जो सिंचाई कर रहे हो ये नहरों के साथ साथ रेत आ रही है, इनसे उपजाऊ मिट्टी नहीं आती है। पहले जब हिमालय से बाढ़ आती थी तो मेरठ में गन्ने की खूब फसल होती थी, लेकिन अब जब हिमालय से बाढ़ आती है तो अपने साथ रेत लेकर आती है। ये जो मिश्रित प्राकृतिक वन हैं वो नदियों की माँ हैं और मिट्टी के कारखाने भी हैं। तो इसकी वजह से वनों का स्वरूप बदल जाने की वजह से मिट्टी बनने की जो प्रक्रिया है वो रुक गई है। और कई मामलों में जहाँ शंकुधारी वन ज़्यादा बन गए हैं वहाँ तेजाभीकरण बड़ी संख्या में होने लगा है, और तेजाभीकरण के कारण शंकुधारी वृक्ष उखड़ने भी लगे हैं। तो मिट्टी का तेजाभीकरण है। और दूसरी बात, ये जो मैदानी क्षेत्रों में जो रेगिस्तान बढ़ रहा है ये धीरे धीरे है, इसको बहुत एकदम आप इसका अनुभव नहीं करेंगे। हाँ, देहरादून जैसी जगहों में ज़रूर है जहाँ हम बढ़िया चूना प्राप्त करने के लिए अभी भी खुदाई जारी रखी हुई है। जाखम नदी के 20 किलोमीटर के क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया, हर वर्ष 5 मीटर के हिसाब से रेगिस्तान बढ़ता जा रहा है। तो वहाँ तो स्पष्ट दिखाई देता है रेगिस्तान, लेकिन दूर मैदानी क्षेत्रों में भी जहाँ ये नदियाँ रेत लेकर आ रही हैं धीरे धीरे रेगिस्तान बढ़ता जा रहा है। मैंने तो जब हम कश्मीर से कोहिमा तक चले तो जम्मू से लेकर और सिलीगुड़ी तक के सारे क्षेत्र में इस तरह के बहुत विस्तृत रेगिस्तान फैलते हुए देखे हैं। और कुछ लोगों का अनुमान ये है कि 1% के हिसाब से धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है। वन विनाश का एक और पहलू सामने आया है। कई स्थानों पर जिन चीज़ों से विदेशी मुद्रा मिलती है उनको प्राप्त करने के लिए पुराने प्राकृतिक वन काटे जा रहे हैं। चाय, कॉफ़ी, काजू, रबड़, अब इनका एक विशेष दर्दनाक दृश्य मुझे मंगलौर में पश्चिमी घाट के वनों में देखने को मिला। वहाँ पुराने प्राकृतिक वन थे और ये गर्म क्षेत्र के वन हैं, बहुत तेज़ी से उगते हैं, कई प्रकार के वन थे। तो इनको काट कर वहाँ पर काजू का रोपण किया गया मंगलौर के वनों में। तो उससे ये हुआ कि काजू के पेड़ तो खैर उग गई, लेकिन उसके चारों तरफ वो इपिट्यूरियम आ गया, एक खरपतवार आ गया चारों तरफ। और जो बड़ी विपदा वहाँ के लोगों पर आई वो ये कि इन विशाल वृक्षों पर जो कि वहाँ सदियों से खड़े थे इन पर बंदर रहते थे, ये सब बंदर उतर कर नीचे आ गए। और कहीं आप ये न कहें कि वो लखनऊ निवासियों की छतों पर वो नाचने लगे होंगे, नहीं, गांव की खेती का भी उन्होंने नुकसान नहीं किया, लेकिन वहाँ एक ऐसी बीमारी फैला दी जिसको मंकी फीवर कहते हैं, और कर्नाटक में उस बीमारी से बड़ी तबाही हुई है। इस समय वन विनाश के कारण बाढ़ और भूक्षरण की तबाही के प्रति देश में वन चेतना तो आई है, लेकिन इस चेतना ने एक दूसरी दिशा ले ली है। क्योंकि अधिकांश लोग ये नहीं जानते कि वन एक जीवित वस्तुओं का समुदाय है, और इस समुदाय में पेड़ सबसे बड़ा है, और इस समुदाय में विभिन्न जातियों के पेड़ भी होते हैं। आप किसी समुदाय की ऐसी कल्पना नहीं कर सकते कि उसमें लुहारी लुहार हों या उसमें कुमारी कुमार हों। इसमें सभी प्रकार के पेड़ होते हैं, और झाड़ियाँ भी होती हैं, और घास भी होती है, वन्य जंतु भी होते हैं, कंदमूल भी होते हैं, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सब होते हैं। अब हुआ ये कि इस प्रकार के वन तो रह नहीं गए, लेकिन ये जो हमारे यहाँ नई चेतना आ रही है उस नई चेतना का स्वरूप ये है कि जिस पेड़ से ज़्यादा पैसा मिले उसको उगाने की होड़ लगी हुई है। यानी अब पेड़ का मतलब पैसा हो गया, पेड़ का मतलब ऑक्सीजन नहीं रह गया, पेड़ का मतलब पानी नहीं रह गया, पेड़ का मतलब मिट्टी नहीं रह गया, और पेड़ों का समाज तो हमने माना ही नहीं है। हमने कतई नहीं माना है कि जिस तरह समाज में हमको बढ़ई शिक्षक सब प्रकार के सेवा करने वाले लोग चाहिए, उसी तरह वन में भी हमको विविध प्रजाति की वनस्पतियाँ चाहिए जो कि एक दूसरे को बनाए हुए रखती हैं, और उसके अलावा इस प्रकार के पेड़ भी चाहिए। क्योंकि सबसे बड़े जो वृक्षारोपण के कार्यकर्ता हैं वो पक्षी हैं। पक्षियों के बसेरा देने वाले पेड़ हमने नष्ट कर दिए, क्योंकि बहुत सी वृक्ष प्रजातियाँ ऐसी हैं जिनका पुनर्जनन अच्छी तरह से तभी होता है जब पक्षी के पेड़ से उनके बीज
आ जाए, लेकिन पक्षियों के बसेरे खत्म हो गए तो वृक्ष कहाँ से रहेंगे। तो ये शीघ्र बढ़ने वाली जो प्रजातियाँ हैं ये धरती से बहुत ज़्यादा पोषण भी लेती हैं और पानी का भी बहुत ज़्यादा वो करती हैं। और इसका प्रचार केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनको जल्दी जल्दी कच्चा माल चाहिए, वो बहुत उत्साह दिखा रही हैं इसमें, और भारत की कृषि मूलक अर्थव्यवस्था पर इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ने वाला है। कई प्रदेशों में स्थिति पैदा हो गई है, बड़े किसानों ने तो अब अनाज और गन्ने के बजाय यूकेलिप्टस लगाना शुरू कर दिया है, पॉपुलर लगाना शुरू कर दिया है। छोटे किसान भी सोचते हैं कि अब हम क्यों पीछे रहें, हम शहर में जाकर मजदूरी कर लेंगे, अनाज तो सरकार के भंडार में है ही, उसको खा लेंगे, इसलिए हम भी अपने छोटे से खेत में इसे लगा लें, 5-10 वर्ष में हमें पैसा मिल जाएगा। लेकिन इसका अगले 50 वर्षों में क्या प्रभाव पड़ेगा इसको कोई नहीं बता सकता है। मैंने अमेरिका के सियाटो में स्थित वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के जो फॉरेस्ट्री विभाग है उनसे पूछा कि आप 300 वर्षों से एकल प्रजाति के पेड़ उगा रहे हो, मिट्टी पर इसका क्या असर पड़ा है। उन्होंने कहा हमने अभी तक इसका अध्ययन नहीं किया है लेकिन अब कर रहे हैं। कुछ देशों ने जिन्होंने इसका अध्ययन कर लिया, जर्मनी ने, स्विट्जरलैंड में तो खैर पुरानी प्रथा थी, उन्होंने अपनी पुरानी प्रथा को कायम रखा है, पुराने वृक्षों को उन्होंने एकदम एकल प्रजाति के बजाय अब मिश्रित प्रजाति के वनों को उगाना प्रारंभ कर दिया है। दूसरी एक बड़ी भारी विपदा हमारे ऊपर जो आई है और जिसको मैं बहुत बड़ा संकट मानता हूँ, और ये इस भोगवादी सभ्यता की देन है, अब खेती डीजल पेट्रोल पर आश्रित हो गई है। और आजकल अगर आप सच पूछें तो हम अन्न के रूप में तेल खा रहे हैं, हमारी खेती में तेल की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता बढ़ रही है, डीजल की, पेट्रोल की, कुछ पंप्स के लिए और कुछ ट्रैक्टर्स के लिए। इस प्रकार से पूरी की पूरी व्यवस्था इस तरह की हो गई है, और रासायनिक खादों ने तो खेतों को हमारे नशेबाजी बना दिया है। कई किसान मुझसे कहते हैं कि इसको इतने रासायनिक खाद की ज़रूरत होती है, जब तक पूरा डोज न दो तब तक मानते नहीं, पूरी फसल ही नहीं देता है। तो इस तरह से हमारी खेती की परिस्थिति हो रही है। दूसरे, सिंचाई के लिए जो पानी की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं उसका असर भूमिगत जल स्रोतों पर भी पड़ा है, और सर्वत्र जो भूमिगत जल स्रोत हैं वो गहरे होते जा रहे हैं। वनों के विनाश कर जो व्यापारिक फसलें उगाने के सबसे भयंकर दुष्परिणाम अमेरिका में हुए हैं, उससे सारी मनुष्य जाति को सबक सीखना चाहिए। जब अमेरिका की धरती पर कोलंबस उतरे थे सभ्यता सिखाने के लिए तो वहाँ 80 करोड़ एकड़ वन थे, इन वनों का उन्होंने विकास के लिए सफाया किया और आज वहाँ 5.5 करोड़ एकड़ बन रह गए हैं। अमेरिका में अवश्य अन्न उत्पादन ने कीर्तिमान स्थापित किया है, लेकिन वहाँ पर कृषि एक जीवन पद्धति में रहकर व्यापार बन गई है। अब तो नया शब्द ही चल गया, मुझे एक बड़े कृषि वैज्ञानिक ने कहा, एक पत्रिका दिखाई, कहने लगी अब एग्रीकल्चर नहीं चलेगा, अब एग्रोनॉमी चलेगी। मैंने कहा ये तो संस्कृति थी भाई अनाधिकार, ये तो एक नई संस्कृति बनी है कृषि के ऊपर खड़ी। कहने लगी अब एग्रोनॉमी चलेगी, जो अर्थशास्त्र के ऊपर खड़ी कृषि हो वो चलेगी। अब अमेरिका में जहाँ पर इसका सबसे अधिक प्रयोग हुआ है तो वहाँ के एक विद्वान लेखक हैं वेस जैक्सन, वो कहता है पिछले 50 वर्षों में हमारे देश ने 40 लाख किसान खो दिए। 40 लाख व्यक्ति जो कि खेती करते थे, किसानी करते थे, अब वो किसान नहीं रह गए हैं। एक ही वर्ष में 37,000 किसानों को काम छोड़ना पड़ा, वंश परंपरा से खेती करने वाले लोग वहाँ रह ही नहीं गए, अब तो कृषि भूमि की गुणवत्ता भी समाप्त हो रही है। और मैंने देखा सब जगह फार्म फॉर सेल, फार्म बिक्री के लिए क्यों है जगह जगह। कहने लगे 4-5 साल इसमें खेती की, जितना रस निचोड़ना था निचोड़ लिया, अब उसने समझा ये घाटे का है, अब ये कहाँ गया, अभी फिल्म इंडस्ट्री में चला गया, अब दूसरा आदमी जो है इसको लेगा और इसमें से कुछ निचोड़ेगा चलाएगा। तो अंततोगत्वा कृषि के क्षेत्र में ये परिस्थिति होने वाली है अगर हम खेती का व्यापारीकरण करेंगे। भारत की जो तत्कालिक समस्या है हमारी, बहुत बड़े पैमाने पर होने वाला भूक्षरण है। अब बीबी बोरा साहब तो कहते ही हैं कि हर साल 600 करोड़ टन उपजाऊ मिट्टी हमारी समुद्र में जा रही है, इस मिट्टी को तो फिर वापस नहीं ला सकते हैं। और हम रासायनिक खाद के कारखाने खोलते जा रहे हैं लेकिन इस मिट्टी के साथ हर साल 700 करोड़ रुपए कीमत के उर्वरक जो है समुद्र में भेजते जा रहे हैं। इस प्रकार भोगवादी सभ्यता ने मानव जाति को 3 तोहफे दिए, युद्ध, प्रदूषण और भुखमरी।
इनमें से मैं प्रदूषण को पहला स्थान देखता हूँ, क्योंकि प्रदूषण गरीब और अमीर दोनों प्रकार के देशों में एक समान रूप से है, दोनों की समस्या है, और इसका जन्म विपुलता वाले विकास के कोख में से हुआ है, और इसकी शुरुआत मानव की भोग लिप्सा वासना को भड़काकर होती है। इसलिए जब तक मूल पर प्रहार नहीं होगा, गरीब देशों को इससे मुक्त रहने की कोई आशा नहीं है। अभी दुनिया के अधिकांश देशों की, जिन्हें विकासशील, अल्प विकसित और अविकसित की संज्ञा दी गई है, मुख्य समस्या मिट्टी के क्षरण और जल संकट की है। लेकिन पश्चिमी ढंग के विकास और उद्योगों के केंद्रीकरण के साथ साथ जल और वायु तथा ध्वनि प्रदूषण की समस्याएं इन देशों के नगरों में जटिल रूप धारण कर रही हैं। यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अपेक्षाकृत अधिक है। एक और बात है, वहाँ जनसंख्या का घनत्व कम है, इसलिए वहाँ जो मुसीबत आएगी उसका असर कम पड़ेगा। लेकिन यहाँ जो दुर्घटना होगी वो भोपाल हमने देख ही लिया है, तो ये हमारे लिए एक चेतावनी है। विकास की उस दौड़ में शामिल होने वाला युद्ध से बच नहीं सकता, क्योंकि युद्ध की तैयारियों के पीछे बाजार और प्रभाव क्षेत्र का लालच है। फिर निर्धनता का सवाल आता है। आज गरीबी के मुख्य कारण धनवानों के वैभव को कायम रखने के लिए किया जाने वाला शोषण है। इथोपिया के अकाल ने स्पष्ट कर दिया है कि किस प्रकार मिट्टी के उपजाऊपन की नीलामी की त्रासदी सर्वसाधारण को भुगतनी पड़ती है। इथोपिया की जो अच्छी जमीन थी उसमें निर्यात के लिए चीज़ें पैदा की जाती थी। अतः दुनिया के विचारवान लोग और मनीषी पुकार पुकार कर इस भस्मासुरी सभ्यता के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं। यह आवाज़ पिछली शताब्दी में पश्चिम में उठ गई थी, और इंग्लैंड में रस्किन ने इसको चुनौती दी, तो अमेरिका में थोरो ने दी। थोरो ने कहा, मुझे आश्चर्य होता है कि दूसरे पेड़ के कटने पर गांव का घंटा क्यों नहीं बजता। पेड़ कटते ही जाते हैं और कोई भी बजने वाली घंटी प्रगति के उत्सव के बजाय मौत की घंटी होती है। गिलहरी छलांग मारकर दूसरे पेड़ पर चली गई, लेकिन कुलाड़ी वाला उसके जड़ों पर भी प्रहार करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन मानव जाति राह भटक गई है। जंगलीपन से ऊपर की ओर की सड़क हल्ला गुल्ला भौतिकवाद और जीवन की ओर नहीं जाती। सही मार्ग पाने के लिए वास्तविकता की ओर, अपने मूल की ओर लौटना पड़ता है। वहीं से वास्तविक सभ्यता की ओर, न कि एक बनावटी जीवन की ओर बढ़ा जा सकता है। परंतु थोरो को उसके युग के लोगों ने पागल ही कहा। आपको मालूम होगा, उस कैदखाने में बंद था और उसका सहपाठी जो राष्ट्रपति था, तो वहाँ गया, उसने कहा, थोरो तुम यहाँ कैसे हो? उसने कहा, मुझे ताजुब हो रहा है कि तुम बाहर कैसे हो, सब सही दिमाग के आदमी को यहीं रहना चाहिए। तो उस समय तो भले ही उसको जो थोरो के विचार थे उनको नहीं सुना गया, लेकिन मैंने देखा कि आज पश्चिम के युवकों के लिए थोरो के विचार एक गीता है। अब थोरो रस्किन जो कुछ कहते थे उसको बुद्धि के स्तर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता था, क्योंकि औद्योगिक क्रांति ने मनुष्य की बुद्धि को और ख़ास तौर के उसकी जो व्यवसायात्मक बुद्धि थी उसको बहुत प्रखर बना दिया था। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने तो इसकी समीक्षा करते हुए कहा था कि जिस दुनिया में हम जी रहे हैं वह बुद्धिवादी पैगंबरों की दुनिया है, वह स्वार्थ में डूबे हुए व्यक्तियों की दुनिया है, वह ऐसी दुनिया है जिसमें औद्योगिकता और पूंजीवाद से निकली हुई एक भयानक पद्धति राज कर रही है, जिसमें तकनीकी सफलताओं और बाहरी जीतों की धूम है, जिसमें शारीरिक सुविधाओं और पार्श्विक विलासिता की सामग्री की बाढ़ है, जहाँ सार्वजनिक जीवन में भी अनियंत्रित लिप्सा का अनंत साम्राज्य है, जहाँ पार्श्विकता और रक्तपात का सहारा लेकर तानाशाही फैल रही है, वहाँ वास्तविकता का आदर तथा धर्म तथा आत्मा की उपेक्षा सबसे बड़ा आधार है। वहाँ जो ये सभ्यता का विकास हुआ, वहाँ मानव बाह्य जगत के रहस्यों का पता लगाने और बाह्य शक्ति की प्राप्ति की दिशा में तो उसने खूब तरक्की कर गया, लेकिन दूसरी शक्ति जो अनादिकाल से हमारे जीवन को प्रभावित करती रही है और जिसका प्रभाव इतना गहरा और अस्थायी रहा है कि उसको देश और काल की सीमाओं के बावजूद भी मिटाया नहीं जा सका, उस दिशा में वो नहीं गए। और वो शक्ति है हृदय की शक्ति। बुद्धि की शक्ति तो बहुत विकसित हो गई और अभी भी विकसित हो ही रही है, लेकिन हृदय की शक्ति की औद्योगिक सभ्यता ने उपेक्षा की, उसके सामने उसकी कोई कीमत नहीं थी। तो इस हृदय की जो शक्ति है, इसका प्रकटन इतिहास में
कई विशिष्ट व्यक्तियों के द्वारा हुआ है, लेकिन भारत का यह सौभाग्य रहा है विशेष रूप से कि प्राचीन काल से लेकर अब तक वो हमारे जीवन को प्रभावित करती रही है। भोगवादी सभ्यता का जन्म समुद्र के किनारे हुआ था, और समुद्र के किनारे वाले को अगर विकास करना है तो कहाँ जाएगा, दूर जाएगा, कहीं व्यापारी बनकर उसकी खोज करने के लिए जाएगा। यहाँ हमारी संस्कृति का जन्म अरण्य में हुआ है, चारों तरफ अरण्य था और उसके बीच में लोग बैठे थे। इस संस्कृति ने मनुष्य को अंतर्मुखी बनाया। एक अंदर की जो दुनिया है उसके रहस्यों की खोज करना ही विकास माना गया। इसमें जो इस संस्कृति के जन्मदाता थे, क्योंकि अरण्य में थे इसलिए उन्होंने मानव और प्रकृति के रिश्तों का इस प्रकार से उन्होंने देखा। पहली बात तो उन्होंने ये देखी कि प्रकृति में सर्वत्र जीवन है, और वो जीवन मानव में भी है, पशु पक्षी में भी है, पेड़ पौधों में भी है, नदी और पहाड़ सब में व्याप्त है। दूसरी बात, जहाँ जहाँ जीवन है उसका आदर होना चाहिए, ये उसका दूसरा तत्व था, इसकी पूजा होनी चाहिए। और इसीलिए आप देखते हैं मत्स्य अवतार भी है तो 12 अवतार भी है, और इधर तुलसी की पूजा भी है तो पीपल की पूजा भी है, और भगवान कृष्ण ने खुद कहा स्थावराणाम हिमालय, आगे कहा असत सर्वक्षाणाम, और फिर नदियों में मैं सुरसरी जाह्नवी हूँ, गंगा हूँ। तीसरी बात इसमें ये थी कि सादगी और संयम का आदर था। जो बहुत वैभवशाली सम्राट थे उनके सामने लंगोटी वाला फकीर जो है उसकी प्रतिष्ठा की जाती थी। अब इतिहास के लंबे काल में जब जब बीच में विचारधारा लोग भूलने लगे, तो हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे मनुष्य यहाँ पर जन्म लेते रहे जो उस धूल को झाड़ते रहे, हरम को इन तत्वों की याद दिलाते रहे युगानुकूल, उस जमाने के अनुकूल। मैं इस दिशा में सबसे पहले गौतम बुद्ध की याद करता हूँ। ये इस नतीजे पर पहुँचा गौतम बुद्ध सिद्धार्थ कि राजप्रसाद से दुखों का निवारण नहीं होगा। बाप ने बहुत कोशिश की, क्योंकि इसकी जन्मपत्री में लिखा था कि तो सन्यासी बनने वाला है, फकीर बनने वाला है, तो बाप ने इसको लपेटने की, इसको आकर्षित करने की काफ़ी कोशिश की। रूपवती कन्या से उसकी शादी कर दी, और इस बात का ख्याल रखा कि इसके सामने कई बुरे दृश्य ना आए। लेकिन ये तो इस नतीजे पर पहुंच गया कि राजमहल के सुखों के बीच जनता के दुखों को दूर करने का खोज संभव नहीं है, इसलिए राजमहल छोड़ दिया। और जितने त्रास एक गरीब आदमी को झेलने पड़ते हैं, मैं समझता हूँ उसमें सबसे बड़ी भूख है। और जब उन्होंने अंतिम ध्यान में प्रवेश किया तो उनका दृढ़ संकल्प था कि चाहे मेरा रक्त क्यों न सूख जाए, मांस क्यों न सड़ जाए, हड्डियाँ क्यों न गल जाएँ, मैं सम्यक संबोधि प्राप्त किए बिना इस आसन को नहीं छोड़ूंगा। उस दिन राजकुमार के हृदय में जितना भी संघर्ष चल रहा था वो अतुलनीय था। संभ्रांत विमूढ़ मन, उद्वेगकारी व्यग्रता हृदय पर छाई हुई, उदास विद्रुप विचारों की घिनौनी आकृतियाँ, मानो मार्श एना ही प्रबल आक्रमण था। राजकुमार के हृदय के कोने कोने में उनका पीछा किया जाने लगा, लेकिन उसने सबको पराजित कर लिया, और अंत में वो इस संग्राम में से विजयी होकर निकले। क्योंकि बुद्ध के युग का जो समाज था उसमें कई बुराइयां आ गई थी, और उन बुराइयों के बीच में जो प्रकाश मुझे मिला वो प्रकाश वही भारतीय संस्कृति के संदेश का था। उसने क्या प्रकाश मिला कि संसार दुखमय है, जन्म दुख है, जरा दुख है, व्याधि और मृत्यु सब दुख है, अप्रिय व्यक्ति का संयोग दुख है और प्रिय व्यक्ति का वियोग दुख है, तथा इच्छाओं का पूरा न होना भी दुख है। वास्तव में जो जीवन आसक्ति से मुक्त नहीं वह दुखमय है, यह दुख पहला आर्य सत्य है। पहला सत्य जो उसके सामने आया वो था कि दुख है मनुष्य के जीवन में, और मनुष्य के जीवन में इस दुख का उद्भव कैसे होता है यह सोचें तो वह जिस संशय मनुष्य हृदय में बसी तृष्णा के कारण होता है। दूसरी बात जो उसने निकाली, दुखों का मूल कारण तृष्णा है, और इस तृष्णा का मूल मानव शरीर की प्रबल वासनाओं में है। जीवित रहने की प्रबल आकांक्षा पर आधारित यात्राएं कामनाओं की ओर इतनी तीव्रता से आकर्षित होती रहती हैं कि कभी कभी कामनाएं मृत्यु तक का कारण बन जाती हैं। यह दुख का हेतु आर्य सत्य है।
अब क्या करें, मुक्ति का कौन सा मार्ग है? इन तृष्णाओं को मूल से उखाड़कर फेंकना, यही मुक्ति का मार्ग है। और जो भी इस दुख से मुक्ति चाहता है उसको तृष्णा का संपूर्ण क्षय करना होगा। बुद्ध का उपदेश अगर एक शब्द में कहना हो तो तृष्णा क्षय। अब आगे चलिए मध्ययुग में। मध्ययुग में इसी संदेश को हमारे संतों ने फैलाया। सामान्य लोग थे, ये आए और इन्होंने भजनों के द्वारा लोक भाषा में, सामान्य भाषा में उसी महान संदेश को लोगों में फैलाया। मैं आपको दो उदाहरण देना चाहता हूँ, कबीर की, नानक की और जो दूसरे संत हैं उनकी वाणी तो सबको परिचित ही है, लेकिन एक ऐसे संत पुरुष जिनका प्रभाव कि आज भी बहुत से लोगों के जीवन पर है, व्यवहारिक जीवन पर, उनकी कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये एक ग्वाले थे और इनका नाम था जम्बो जी, और जन्म हुआ राजस्थान के रेगिस्तान में, पीपासर गांव में, बीकानेर के। अब राजस्थान में तब भी सूखा पड़ता था और आज भी पड़ता है, और जो कुछ लोग आज करते हैं सूखा पड़ने के बाद उस समय भी करते थे। सूखा पड़ा, अपनी मवेशी को लेकर दूसरे प्रांतों में चल दी। तो उस समय भी 15वीं शताब्दी में जब ये संत पैदा हुए थे, एक बहुत बड़ा सूखा पड़ा और लोग तो अपनी गायों को लेकर चल दिए इधर उधर के प्रांतों में, लेकिन जम्बो जी ने कहा मैं यहीं रहता हूँ। अब जम्बो जी चिंतन करने लगे कि प्रकृति जो इतनी उदार है, जिसने हमें जन्म दिया, हमारा पालन पोषण किया, ये इतनी क्रूर क्यों बन गई है? और जम्बो जी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ये प्रकृति के साथ मनुष्य के दुर्व्यवहार का फल है, जो प्रकृति हमें दंड देती है। तो क्या करना चाहिए? दुर्व्यवहार के बदले सदव्यवहार करना चाहिए। उन्होंने जीवन में सदाचार के, सदव्यवहार के 29 नियम बना लिए। 29 उस जमाने में गिनना नहीं जानते थे लोग, 20 और 9, बहुत देर तक 1 बीसी 2 बीसी इस तरह से गिनते थे लोग। तो 20 और 9 की वजह से उन नियमों को मानने वाले जो लोग हुए, सबने कहा ये तो बहुत अच्छे नियम है, हम इनका पालन करेंगे। तो उससे एक विष्णुई पंथ का जन्म हुआ। और इन 29 नियमों में से 2 नियम ये थे कि पशु पक्षी नहीं मारना और हरा पेड़ नहीं काटना। अब राजस्थान का जो कल्प वृक्ष था वो खेजड़ी के पेड़ थे, जो कि रेगिस्तानी परिस्थितियों में भी जो पेड़ पनप जाते थे, और उनसे केवल पशुओं को चारा ही नहीं मिलता था, लेकिन उसकी केर जो फलियां हैं उससे मनुष्यों को खाना भी मिलता था। आगे चलकर जम्बो जी का प्रभाव लोगों के हृदयों पर कितनी गहराई तक था, सन 1730 में, यानी उनके लगभग 200 साल बाद, जोधपुर के महाराजा अजय सिंह जब लड़ाई झगड़ों से निपट गए, थोड़ा कुछ सांस ली, तब कुछ महल बनाना चाहिए ये सोचा। अब महल बनाने के लिए चूना फूकना था, रेगिस्तान में लकड़ी कहाँ से आए चूना फूकने के लिए? तो किसी ने कहा महाराज वो बिश्नोइयों का खेजड़ी गांव है, वहाँ खेजड़ी के बहुत मोटे मोटे पेड़ हैं। बस महाराजा का हुक्म हुआ और कारिंदे को कुलाड़ी वालों के साथ भेज दिया। महाराजा का हुक्म किसी को पूछना क्यों, गए और कुलाड़ी से सीधे खेजड़ी के मोटे मोटे पेड़ काटने लग गए। अब अंदर एक बहन अमृता देवी छाँच बिलो रही थी। अब उसके कानों में जब अजीब आवाज़ आई, क्योंकि वहाँ पेड़ काटने की आवाज़ तो कभी उन्होंने सुनी नहीं थी, वो बाहर आई, उसने कहा क्या कर रहे हो, रुको। उसने कहा राजा का हुक्म है। उसने कहा राजा का हुक्म भले ही हो, लेकिन हमारे पंथ के खिलाफ है, तो अगर अपने पंथ की रक्षा करनी है तो डांट दो राजा का, हम चले जाएंगे दूसरा पेड़ काटेंगे। इसने कहा डांट दिए पंथ पौणो होए, डांट देने से धर्म का अपमान होता है, अनादर होता है, छोटा होता है। तो तत्काल फैसला कर लिया क्या करना है। उसने कहा धर्म की रक्षा के लिए, पेड़ की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देनी पड़े वो भी कम है, सिर सांटे रूंख रहे तो भी सस्त हो जाए, सिर के बदले अगर पेड़ बचता हो तो भी ये सस्ता है। पेड़ पर लिपट गई और उसने अपना बलिदान दे दिया। तीनों बेटियां पास खड़ी थी, बारी बारी करके पेड़ों पर चिपक गई और इन्होंने भी अपना बलिदान दे दिया। यह खबर सारे क्षेत्र में फैल गई और देखते देखते 363 बिश्नोइयों ने इस स्थान पर अपना बलिदान दिया। ये घटना भाद्रपद सुदी शुक्ला दशमी को सन 1730 में हुई थी।
और वृक्ष मानव रिचर्ड बर्वे बेकर जब भारत में आए और उन्होंने ये कहानी सुनी तो गदगद हो पड़े। उन्होंने कहा भारत में हरेक अपनी बेटी का नाम अमृता क्यों नहीं लिखता है। और उन्होंने विश्व के 108 देशों में वृक्ष मानव संस्था के माध्यम से इस कहानी को प्रसारित किया। उन्होंने कहा ये भारत की महान संस्कृति है और दुनिया के सामने आज जो त्रास है उसका उत्तर इसमें छिपा हुआ है। आप कहीं ये ना समझ जाएं कि सारे इतिहास में अकेली घटना है। देश के कोने कोने में इस तरह की विभूतियाँ हुई हैं। उससे कुछ पहले 1375 में कश्मीर में एक विभूति का जन्म हुआ। वहाँ कैमू गांव है तो वहाँ शेख सलार एक ग्वाले थे। इनके घर एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम रखा उन्होंने नूरुद्दीन। अब बचपन में ही बाप मर गया तो माँ ने मौलवी साहब के पास भेज दिया पढ़ने के लिए। अभी मौलवी साहब के पास गए तो अलिफ ही अलिफ करते रहे, ये अलिफ के बाद बे कहे नहीं। 6 महीने बीत गए, मौलवी साहब ने कहा माँ तेरा बेटा बिल्कुल बुद्धू है, आगे पढ़ेगा नहीं। इसको मारा पीटा, पूछा आगे क्यों नहीं कहते, उसने कहा अल्लाह एक ही है, अब इससे आगे क्या पढ़ूँ मैं। तो आखिर इन्होंने कहा किसी काम का नहीं, इसको छोड़ो। तो ये शेख सलार जो हैं ये घूमने लग गए, फिर इनको छोड़ दिया घूमने के लिए कि जाओ। तो इसने प्रकृति की गोद में पर्वतों से, खेतों से, सूर्य और आकाश से, उसमें उसने ज्ञान का दर्शन किया। प्रकृति उसकी पहली शिक्षक थी। और बाद में इसकी माँ ने कहा चलो अब इसको बांधो, तो बांधने के लिए सबके लिए गृहस्थी की जाती है, गृहस्थी भी हो गई, बेटे भी हो गए। लेकिन इसका ध्यान तो दूसरी तरफ था। एक दिन ये घर छोड़कर अपने गांव के पास जो गुफा थी उस गुफा में इसने रहना शुरू कर दिया। और गुफा में रहकर क्या करने लगे, वनस्पतियाँ खाने लगे। वो वनस्पति खाना छोड़ दिया, अगले दिन से दूध पर गुजारा करना शुरू किया। दूध पीने के लिए भी, क्योंकि मन को बस में करने का अभ्यास कर रहे थे और जिस समय दूध पीने के लिए तबीयत चाहे उस समय दूध भी नहीं पीना चाहिए, तो प्याला ऐसा बनाया कि उसके नीचे छेद कर दिया। और जब कोई दूध दे तो नीचे से उंगली लगा देते थे छेद पर, अगर मन ने कहा दूध चाहिए तो फिर उंगली करके दूध को वहीं गिरा देते थे, और जिस समय मन ना चाहे दूध पीने को उस समय दूध पीते थे। इस तरह कई वर्षों तक रहते रहे। बाद में चलते चलते इन्होंने एक चश्मे के पानी से ही गुजारा करना शुरू कर दिया। तो ये गांव-गांव जाकर उपदेश देते थे। ऊपर ये पहाड़ में रहते थे जंगल के बीच, और नीचे कश्मीर की सुरम्य घाटी देखते थे। इन्होंने कहा एलीपोस बन तेली पोषण, जब तक बन रहेंगे तभी तक अन्न होगा। इस वैज्ञानिक तथ्य को कि जंगल की पहली पैदावार मिट्टी और पानी है और यही अन्न की खेती के लिए मूलभूत पूंजी है, उन्होंने जान लिया था। और उनके इस वचन को पिछले वर्ष विश्व खाद्य संगठन ने विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर पूरे विश्व में प्रसारित किया है। अब देखिए, जिस समय भारत में इस तरह के संत चल रहे थे और भारत के जनमानस पर उनका प्रभाव था, उसी दौरान 15वीं शताब्दी के अंत में यहाँ यूरोप के व्यापारियों का प्रवेश हुआ और इस जमाने में वो दुनिया में नए नए देशों की खोज कर रहे थे। अमेरिका में भी उन्होंने उसी समय पदार्पण किया था। और उन्होंने क्या किया, जो वहाँ के मूल निवासी थे, क्योंकि इनके पास बंदूकें थी डराने के, वो भी थे और दूसरी सारी चीज़ें थी, इनको डरा कर पीछे धकेल दिया और उनकी विचारों की ज़मीन पर कब्जा कर लिया। दूसरी बात उन्होंने ये की कि प्रकृति के साथ समरस होने की इनकी जो जीवन जीने की पद्धति थी, इस जीने की पद्धति को समाप्त करने के लिए इन्होंने उनको तहजीब सिखाई। पहले तो उन्होंने कहा कि तुम व्यवहारिक काम धंधे सीखो भाई, तुम जो है स्त्रियों से कहा तुम सूत काटो, कपड़ा बुनो। और अब इनको गर्मियों में कपड़े के इनके लिए कोई उपयोग नहीं था, और जाड़े में ये जंगली पशुओं की जो खाल थी उससे अपना काम चला लेते थे, खरगोश वगैरह की खाल से। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, सभ्य बनने के लिए कपड़ा पहनना बहुत ज़रूरी है। और पुरुषों से कहा ये जंगल के जंगली फल क्या खाते हो, तुम जमीन को जोतो। तो इन्होंने उन लोगों को जिनके लिए खाने के लिए पर्याप्त शिकार थी, काष्ठ फल था, ये सिखाई अपनी नई सभ्यता। लेकिन इन लोगों ने अपने प्राकृतिक जीवन बिताते बिताते जीवन का एक मानवीय स्वरूप प्राप्त कर लिया था, और वे सदियों से एक दूसरे को या अपने को प्राकृतिक पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना जी रहे थे। उनके जीवन में प्रकृति के प्रति शोषण के बजाय पर्यावरण के साथ संतुलित संबंध था।
एक ऐसी अर्थव्यवस्था थी जो होड़ के बजाय आपस में बांटने पर आधारित थी। तो इस तरह से बांटने का जो जीवन है ये इन लोगों का जीवन था। और दूसरी बात, एक ऐसी अर्थव्यवस्था थी जिसमें होड़ कतई थी नहीं, समुदाय की भावना थी, संयम की प्रतिष्ठा थी और सृजनात्मक कला के लिए अवसर था। तो इस तरह के जीवन को आप सभ्यता का जीवन नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें कला का सृजन हुआ था। दूसरी बात उसमें ये थी कि उत्पीड़न मुक्त शासन की पद्धति थी और विश्व के प्रति एक आध्यात्मिक भावना थी। इन्हीं चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आज हम करके आ रहे हैं। हम यही तो कहते हैं कि हम इस तरह की तहजीब को कायम करेंगे, इन्हीं को प्राप्त करने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। इन्होंने पहले ही प्राप्त कर ली। प्रकृति की प्रति उन लोगों की जो भावना थी उसका सजीव वर्णन जो रेड इंडियन चीफ था सियाटो का, उसका जो दस्तावेज है उसमें मिलती है। ये क्या कहता है, अब वाशिंगटन का जो गोरा चीफ था उसने कहा कि भाई हमें कुछ भूमि बेच दो तुम अपनी, यहाँ पर तुम्हारे यहाँ पर हम कुछ अपना केंद्र स्थापित करना चाहते हैं। तो इसने जो दस्तावेज, मैं समझता हूँ सबको अवश्य पढ़ना चाहिए। मैं पूरे पढ़ने में समय नहीं बिताऊँगा, आपको कुछ ही वाक्य उसके पढ़ देता हूँ। प्रारंभ में उसने उसको जवाब दिया, आकाश को भूमि के ताप को तुम कैसे खरीदे बेच सकते हो, यह विचार हमारे लिए अजीब है। ये रेड इंडियन चीफ कहता है, जलवायु की स्वच्छता और जल की पवित्रता पर हमारा कोई अधिकार ही नहीं, तो उन्हें आप कैसे खरीद सकते हैं। हम पृथ्वी के अंग हैं, सुगंधित पुष्प हमारी बहनें हैं, हरिण घोड़े गरुड़ हमारे भाई हैं, चट्टानी शिखर चरागाहों में बहता रस, टट्टू के शरीर की गर्मी और मनुष्य सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। ये 132 वर्ष पहले लिखा हुआ है उसका। और मैं समझता हूँ कि पर्यावरण पर तैयार किया गया है सबसे सुंदर दस्तावेज है। हमारे जो इसके हजारों वर्ष पूर्व हमारे जो वैदिक ऋषि थे उन्होंने तो पृथ्वी सूक्त में कहा ही था, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, पृथ्वी हमारी माता है और हम सब उसके पुत्र हैं। पश्चिम की सभ्यता भारत की संस्कृति को अंग्रेजी शिक्षा और शासन के बावजूद भी समाप्त नहीं कर सकी। उसका मुख्य कारण इस संस्कृति का मनुष्य को अंतर्मुखी बनाना था। इसलिए बावजूद इसके कि अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा उन्होंने भारत पर अपने मूल्यों को लादना चाहा, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हुए। जब अंग्रेजी शिक्षा और सभ्यता भारत के चिंतनशील लोगों के बीच में आई तो उन्होंने बजाय इसके किसके साथ बह जाए, उन्होंने अपने अतीत की ओर देखना प्रारंभ किया और इसमें से एक नए जागरण का युग प्रारंभ हुआ। मैं समझता हूँ उसके प्रवर्तक राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय ने पश्चिम की शिक्षा और पश्चिम की तहजीब से जो कुछ सीखा उससे अंतर्मुखी होकर भारत की जो संस्कृति थी उसके संदेश को सबके सामने किया। और इसके बाद एक एक करके आप देख लीजिए, महर्षि दयानंद हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, रामतीर्थ हैं, योगीराज अरविंद हैं, फिर गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं, ये सब इस नव जागरण की गंगा के प्रवाह को आगे बढ़ाते रहे। और उसी जमाने में हमारे यहाँ पर जगदीश चंद्र बसु जैसे वैज्ञानिक भी हुए जिसने वैज्ञानिक सत्यों से इस बात को साबित कर दिया कि वनस्पति में जीवन मानना ये कोई गपशप की बात नहीं है, ये अंधविश्वास नहीं है। सदियों पहले महाभारत में जो बातें थी, जिस शांति पर्व में जो कुछ कहा है कि वृक्ष इनको शीत भी है गर्मी भी है इस सब का अनुभव होता है, इसको उन्होंने अपने प्रयोगों से दिखा दिया। लेकिन इस पुनर्जागरण की गंगा में तूफान लाने वाले तो महात्मा गांधी थे। उन्होंने भारत की स्वाधीनता को निमित्त बनाकर विश्व की समस्याओं का समाधान ढूंढना प्रारंभ किया। गांधी जी ने जो भोगवादी सभ्यता ने प्रगति की परिभाषा की थी उसको चुनौती दी। पहले पहले जहां बाहुल्य को अधिक से अधिक प्राप्त करने को प्रगति माना जाता था, गांधी जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा मनुष्य की वृत्तियाँ चंचल हैं, उसका मन बेकार की दौड़ धूप किया करता है, उसका शरीर जैसे जैसे ज़्यादा देते जाएं वैसे वैसे ज़्यादा मांगता है, ये कभी संतुष्ट तो होता ही नहीं है, ज़्यादा देकर भी वह सुखी नहीं होता, भोग भोगने से भोग की इच्छा बढ़ती जाती है, इसलिए हमारे पुरखों ने भोग की हद बांध दी, उन्होंने भोग की वासना छुड़ाई, उन्होंने सोचा कि बड़े शहर कायम करना बेकार की झंझट है। गांधी जी ने जो 1909 में विचार प्रकट किए थे उसी की बुनियाद पर नई समाज
रचना का जो उनका चिंतन था प्रगति करता गया, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा अपनी बुनियादी आवश्यकताओं भोजन वस्त्र और आवास में छोटे छोटे समुदायों को स्वावलंबी होना चाहिए। वह उत्पादक शरीर श्रम को धर्म मानते थे। विकेंद्रित उत्पादन में आज की सभी समस्याओं का और मुख्यतः पर्यावरण प्रदूषण का उत्तर छिपा हुआ है। वायु और जल प्रदूषण का मुख्य कारण तो बड़े बड़े कल कारखाने हैं, इनसे निकलने वाली विषाक्त गैसें और गंदा पानी, ये प्रदूषण के कारक हैं। जब उत्पादन केंद्रीकरण हो जाता है तो उससे बड़े बड़े शहरों और झुग्गी झोपड़ियों का जन्म होता है। दोनों जुड़ी हुई हैं। स्लम्स कोई वहाँ से बनकर नहीं आती हैं। जब महल खड़े होते हैं तो उनको खड़ा रखने के लिए झुग्गियों को आना पड़ता है, क्योंकि महलों को बनाने के लिए भी झुग्गियों में रहने वालों की ज़रूरत है, और फिर महल में जब लोग रहना शुरू करते हैं तो उनकी सेवा शुश्रूषा करने वाले भी तो कोई चाहिए। इसलिए ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। तो झुग्गियों को मिटाने का तरीका ये नहीं है कि आप झुग्गी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत करोड़ों रुपए खर्च करके कुछ नए मकान बना दीजिए फिर नई झुग्गियाँ उगाएंगे। उसका मूल कारण तो ये है कि जिसको हमने विकास माना है और जिस विकास के लिए हम केंद्रीकरण करते जा रहे हैं उत्पादन के साधनों का, रोजगार के साधनों का, वो विकास चुंबक की तरह खींच कर ला रहा है लोगों को और वो झुग्गियाँ बनाते जा रहे हैं। एक सबसे बड़ी जो कठिनाई है जो इससे पैदा हुई है, जो केंद्रित उत्पादन की पद्धतियाँ हैं, पहली बात तो इसने धरती का शोषण तो किया ही है, उसके साथ साथ उसने बेरोजगारी और मजबूरी को भी जन्म दिया है। इसने उत्पादक और उपभोक्ता को दूर तो अलग अलग छोरों पर खड़ा कर दिया है, और इनके बीच किस किस को खड़ा किया है, सबसे पहले व्यवस्थापक, व्यापारी, दलाल, विज्ञापनकर्ता और ढुलान करने वाले, एक बहुत बड़ी अनुत्पादक लोगों की फौज खड़ी कर दी है। तो ये इसने पैदा किया है, इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता भी खतरे में पड़ी है, क्योंकि आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण का राजनीतिक सत्ता के केंद्रीकरण के साथ चोली दामन का संबंध है। गांधी जी ने अपने अंतिम दिनों में नए भारत के निर्माण के संबंध में अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए कहा था कि पृथ्वी प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए तो काफ़ी देती है, परंतु प्रत्येक मनुष्य के लोभ को तृप्त करने के लिए नहीं देती। मैं समझता हूँ मनुष्य और प्रकृति के प्रेम मूलक संबंधों की स्थापना के लिए, जिसमें आज की सब समस्याओं का समाधान छिपा हुआ है, इससे बड़ा कोई रास्ता नहीं हो सकता। इन संबंधों को स्थिर रखने के लिए हमें विकास की वास्तविक परिभाषा को आत्मसात करना होगा। वास्तव में विकास संस्कृति का पर्याय है। अब प्रकृति का सुसंस्कार करके जब हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इस तरह करते हैं कि हमें सुख, शांति, समृद्धि और अंतोगत्वा संतुष्टि मिले, तो हम संस्कृति की ओर बढ़ते हैं। यही तो संस्कृति है। आखिर प्रकृति से मनुष्य लेगा, उसके बिना जिंदा रह नहीं सकता है, लेकिन प्रकृति के संस्कार को, सुसंस्कार को ही संस्कृति कहते हैं। प्रकृति का सुसंस्कार करके जो कुछ हम प्राप्त करते हैं उससे हमारी तरक्की होती है, सुख मिलता है, शांति मिलती है, संतुष्टि मिलती है। ऐसे समाजों में जहाँ सुख, शांति और समृद्धि रही है, वहीं पर कला और साहित्य का सृजन हुआ है। आज हम प्रकृति का संस्कार नहीं बल्कि भोग लिप्सा की कभी न होने वाली तृप्ति के लिए उसके साथ बलात्कार कर रहे हैं। अतः विकृति का दर्शन हो रहा है। मैं समझता हूँ कि हमारी हिंदी भाषा का वैभव है कि इसमें ये तीन शब्द ऐसे हैं जो किसी दूसरी भाषा में मिल नहीं सकते। प्रकृति, प्रकृति का सुसंस्कार किया मानव जीवन को उन्नत बनाने के लिए, तो संस्कृति, और प्रकृति का भोग लिप्सा को तृप्त करने के लिए जो कभी तृप्त होती नहीं है, उसका विदोहन किया, उसके साथ बलात्कार किया, तो उससे विकृति पैदा हुई। अब मैं ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि हम आज विकृति में हैं या संस्कृति में हैं। युद्ध, प्रदूषण और गरीबी ये विकृति के प्रकट स्वरूप हैं। युद्ध क्या है? युद्ध व्यक्तिगत असंतोष की जो अतृप्त वासनाओं की स्वाभाविक परिणति है, सामूहिक अभिव्यक्ति है। व्यक्तियों के अंदर जो असंतोष पैदा हो रहा है, क्योंकि वासनाओं की तृप्ति नहीं हुई, हो ही नहीं सकती है कभी, हमेशा असंतुष्ट हालत में रहेंगे, तो चालाक लोगों ने क्या किया, इस असंतोष को इकट्ठा करके इसके प्रकटन का एक रास्ता बना दिया, युद्ध। और इसीलिए आज सबसे बड़े जंगखोर वही देश हैं जो भौतिक समृद्धि के शिखर पर हैं।
उन्होंने अपने नागरिकों के मन के असंतोष को लड़ाई के मनोविज्ञान में परिवर्तित कर दिया है। जिन देशों को किसी से युद्ध नहीं करना है, वहाँ भौतिक समृद्धि वाले क्षेत्र जातीय या दूसरे प्रकार के दंगों तथा उग्रवाद के केंद्र बन रहे हैं। उनका असंतोष इस रूप में प्रकट हो रहा है। इसी तरह से प्रदूषण भोगवादी सभ्यता का तोहफा है और गरीबी इन दोनों का परिणाम है। युद्ध की जगह शांति की स्थापना करनी है तो व्यक्ति को तृष्णा क्षय अपनाना होगा। व्यक्तिगत संतोष की अभिव्यक्ति सामाजिक शांति होती है। शांति के लिए तो अंदर संतोष पैदा करना होगा और वो व्यक्तिगत संतोष जो है उसी की अभिव्यक्ति जो है वो सामाजिक शांति होती है। और व्यक्तिगत जीवन में तो बहुत से लोगों ने इसको दिखाया, कहते हैं महर्षि रमण जी के आश्रम के चारों तरफ उनके आसपास सांप और जंगली वन्य जंतु सब आसपास बैठे रहते थे। इस प्रकार के तो मैंने भी देखे हैं कई संत पुरुष जो अपने हाथ पर पक्षी को यूँ खिलाते रहते थे। तो उसका कारण क्या है? उनके अंदर जो शांति का जो अखंड समुद्र बह रहा है उसकी अभिव्यक्ति है। उनके लिए चारों तरफ के जो जीव जंतु हैं उसके निर्भयता का साम्राज्य स्थापित हो गया। और मैं मानता हूं कि आप सब लोग जानते हैं और हमने भी पहले से ही सुना है कि रोटी कपड़ा और मकान सबको चाहिए एक समान, वर्षों तक हम इस तरह के नारे बुलंद करते रहे हैं। यही बुनियादी आवश्यकताएँ मानी जाती थी। लेकिन अब पहली बुनियादी आवश्यकता शुद्ध प्राणवायु हो गई, ऑक्सीजन हो गई है। आपको रोटी भले ही मिल जाए लेकिन अब तो ऑक्सीजन का काल पड़ रहा है। प्राणवायु जो है वो सबसे मुश्किल हो गई है। अब आज के जो केंद्रित उत्पादन का युग है, ये सहजता से ये चीज़ें उपलब्ध हो सके तो हास्यास्पद माना जाएगा। आज प्राणवायु का कोई बहुत बड़ा भंडार तो कायम नहीं किया जा सकता। अब एक व्यक्ति को एक दिन में कम से कम 16 किलो ऑक्सीजन चाहिए। और रूसी वैज्ञानिक ने तो ये पाया है कि अब हम बायोस्फीयर में नहीं रहते, जीव मंडल में नहीं रहते, उसमें 16 किलो से काम चल जाता था। आज तो हम टेक्नोस्फीयर में रहते हैं, तकनीकी मंडल में, और इसकी ऑक्सीजन की आवश्यकताएँ सब जीवधारियों से 15 गुना ज़्यादा है। अब आप बताओ, बाजार की अर्थव्यवस्था में इतनी अधिक प्राणवायु जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है किसी को निःशुल्क मिल सकती है? इसी प्रकार पानी का प्रश्न है। जो कुछ पानी हमारे बड़े बड़े नगरों में आजकल आता है वो तो बड़े बांधों से आता है, बड़े तालाबों से आता है। लेकिन शॉबर्गर ने, जो ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे और 1947 के आसपास हुए, उन्होंने उस समय खोज कर ली थी कि पानी के जब नैसर्गिक प्रवाह को हम रोक देते हैं, उसको बांध देते हैं, नल में डाल देते हैं, तो उसका ट्रेस एलिमेंट, उसका जो जीवन तत्व है वो समाप्त हो जाता है। तो इसने उसी वक्त कह दिया था कि इसके तो जीवन तत्व नष्ट हो रहे हैं और आज सचमुच हम सब लोग मुर्दा पानी पी रहे हैं। लेकिन मुर्दा पानी की भी उपलब्धि कम होती जा रही है। जाकर नल खोलता हूँ तो उसमें पानी नहीं है, उसके लिए इंतजार करना पड़ता है कि कब पानी देवता के दर्शन होते हैं। इसी प्रकार मिट्टी के क्षरण और लवणीकरण की समस्या है। भारत में करीब करीब एक चौथाई भूमि, लगभग 5.8 करोड़ हेक्टर कृषि भूमि और 60 लाख हेक्टर वन क्षेत्र अत्यधिक भूक्षरण से प्रभावित है। 70 के दशक में 1971 और 80 के बीच बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र जो था वो 2 करोड़ हेक्टर से बढ़कर 4 करोड़ हेक्टर हो गया। और नहरों से सिंचित 9 करोड़ हेक्टर भूमि दलदल से और 2.5 करोड़ हेक्टर भूमि लवणीकरण के कारण उसका खतरा है। अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक और विद्वान बेरी और जैक्सन ने अपने देश की पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहा है कि यह कृषि ह्रास के इतिहास की एक ऐसी घटना है जिसमें उपजाऊ मिट्टी, किसानों में और फार्मों और कृषि भूमि की क्षति हुई है। अब इस परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? और यह रास्ता हमारी संस्कृति ने बताया है। हमारी संस्कृति ने क्या बताया कि मनुष्य के स्थायी सुख शांति और समृद्धि का स्रोत प्रकृति है। वह प्रकृति के साथ जितना अधिक समरस होकर रहेगा वह उतना ही अधिक सुखी रहेगा, उसके आसपास शांति रहेगी और अस्थायी समृद्धि का उपभोग करेगा। इसका पहला सिद्धांत यह है कि हमारे जीवन निर्वाह की पद्धति ऐसी हो जो नवीकृत साधनों के ऊपर आधारित हो।
और इस इन्हीं नवीकृत साधनों का हम अधिक से अधिक उपयोग करें। अब नवीकृत साधन कहाँ कहाँ से मिलते हैं? चरागाह से, जंगलों से, कृषि भूमि से और समुद्रों से। अत्यधिक दोहन के कारण इनके स्वाभाविक वार्षिक उत्पादन क्षमता से हमने कृत्रिम साधनों का उपयोग करके कुछ और ज़्यादा ज़्यादा ले तो रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो पूंजी में से हम कर रहे हैं और जिसको हम आज लाभ देख रहे हैं वो पूंजी घटती जा रही है। तो अब हमको एक ऐसी जीवन शैली अपनानी है जिसमें कि बुनियादी पूंजी भी बढ़ती रहे और उसके साथ साथ हमारा जीवन निर्वाह होता रहे। इस जीवन शैली में ही मनुष्य और प्रकृति के बीच प्रेममूलक संबंधों की स्थापना हो सकती है। आज हम इस बात को नहीं देख रहे हैं कि हम तरक्की करते जा रहे हैं लेकिन दूसरों को मिटाते हुए तरक्की करते जा रहे हैं। लेकिन वास्तविक तरक्की तो वो है जिसमें कि दूसरों के जीवन में भी रस आए, और वृक्ष खेती के द्वारा ये बहुत संभव है। सारी धरती एक उद्यान का रूप धारण कर लेगी, एक ऐसे उद्यान का जिसमें प्राणी मात्र को शुद्ध प्राणवायु, जीवंत जल और खाद्य भी बिना प्रयास के सुलभ होगा। पश्चिम की सभ्यता का आधार औद्योगिकरण रहा है और नए समाज में उद्योगों का क्या स्थान रहेगा, ये सवाल अक्सर उठाया जाता है। तो मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ कि उपभोक्तावाद संस्कृति विरोधी है, क्योंकि वह मनुष्य को प्रकृति का कसाई बनाता है। इसके अलावा पश्चिमी सभ्यता की आत्मा मशीन से बनी है, यह मशीन बराबर चलती रहती है और बराबर अपनी गति को कायम रखने के लिए मनुष्यों का उपयोग ईंधन के रूप में करती है। मानव मात्र की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्योग चलेंगे, लेकिन कुछ बड़े उद्योगों को छोड़कर जिनका छोटे पैमाने पर नहीं चलाया जा सकता, सब उद्योग विकेंद्रित होंगे। घर घर और गाँव गाँव में उद्योग मंदिर होंगे। निश्चित रूप से इसमें तकनीकी के स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। गांधी जी का सपना जो इस शताब्दी के प्रारंभ में उन्होंने देखता है कि ऐसा लगता है कि आज जो बारूद के ढेर पर बैठी हुई दुनिया है उसको साकार करने के सिवा आज उसके सामने कोई रास्ता नहीं है जिंदा रहने का, और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। और गांधी जी ने इस देश से जो गुट निरपेक्षता की और निःशस्त्रीकरण की आवाज सुनी जा रही है और शस्त्रों की होड़ समाप्त करने के लिए दो बड़ी शक्तियाँ विचार विमर्श करने लगी हैं, यद्यपि विपरीत दिशा में उनके क्रियाकलापों में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन सबसे अधिक आशाजनक तो बाहुल्य वाले देशों में वहाँ की जीवन पद्धति के खिलाफ उठने वाली आवाज़ है। इसमें सबसे सशक्त आवाज़ हरित आंदोलन की है, जो पश्चिमी जर्मनी जैसे देशों की राजनीति में अपना स्थान बना चुका है और राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित करने लगा है। गांधी जी ने तो स्पष्ट कहा था कि नए सत्यों को जन्म देने का दावा मैं नहीं करता, मैंने तो केवल अपने ढंग पर सनातन सत्यों का दैनिक जीवन और समस्याओं पर लागू करने का प्रयास किया है। गांधी की विशेषता इसमें थी कि उसने सत्ता के विकल्प के रूप में सेवा को, संपत्ति के विकल्प के रूप में संयम को और शस्त्र के विकल्प के रूप में शांति को प्रस्तुत किया है। लेकिन सबसे बड़ी जो आश्चर्यजनक बात है, जिसके ऊपर सारी दुनिया चलती रही, शास्त्र आइडियोलॉजी, उसके विकल्प के रूप में भी गांधी जी ने हमको एक नई चीज़ दी। क्योंकि युग युग से सत्ता, संपत्ति और शस्त्र, इनके समर्थन में विचारधाराएं प्रस्तुत की जाती रही है, और आज भी जो दुनिया खेमों में बटी हुई है वो विचारधाराओं के आधार पर बटी हुई है। ये विचारधाराएं सिवाय इसके कि सत्ता, संपत्ति और शस्त्र को समर्थन करें, कुछ नहीं करती। तो गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा कि शास्त्र के स्थान पर सदाचार, गुड बिहेवियर, जो कुछ मैं करता हूँ वही शास्त्र है। और इसीलिए वो दृढ़तापूर्वक उन्होंने कहा कि मेरा जीवन मेरा संदेश है। मैं समझता हूँ भारतीय संस्कृति की इससे उत्कृष्ट कोई दूसरी प्रस्तुति नहीं हो सकती है, और इन चार स्तंभों पर हमको समाज को खड़ा करना होगा। सत्ता के स्थान पर सेवा, संपत्ति के स्थान पर संयम, शास्त्र के स्थान पर शांति और शास्त्र के स्थान पर सदाचार। इन चार स्तंभों के ऊपर भी नए समाज की रचना हो सकती है। इस प्रकार एक नई जागतिक दृष्टि का उदय हो रहा है, और इसके बारे में पश्चिम के साथ इसका मेल कराने वाले सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन थे।
उन्होंने कहा था कि मनुष्य का भावी कल्याण इसमें है कि वो अतीत और वर्तमान तथा पूर्व और पश्चिम के बीच समन्वय का पता लगाए तथा सामंजस्य स्थापित करे। इस समन्वय की दिशा में व्यवहारिक कदम होगा मानवतावादी वैज्ञानिक, परिवर्तन के लिए व्याकुल सामाजिक क्रांतिकारी और संवेदनशील साहित्य और कला सेवियों का एक मंच पर आना। यह है व्यवहारिक रास्ता। कौन इसको करेगा, सवाल ये उठता है कि विचार तो बहुत अच्छे हैं, यदि साहित्यकार, पत्रकार और कलाकारों का आशीर्वाद इसको प्राप्त हो जाए तो जन जन के हृदयों को आरूढ़ित कर एक नई क्रांति की ओर ले चलेंगे। सभ्यता का संकट विकास के नाम पर प्रकृति के साथ किए गए बलात्कार से पैदा हुई विकृति है, और संस्कृति का संदेश प्राणी मात्र की सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रकृति का सुसंस्कार कर संस्कृति का विकास करने में है। यह अवश्य एक कठिन कार्य दिखता है, लेकिन यह संभव है। हमारी संस्कृति में महान कार्य को यज्ञ की संज्ञा दी गई है, और यज्ञ की सफलता के लिए ज्ञान, कर्म और भक्ति का संगम होना आवश्यक है। मैं मानवतावादी वैज्ञानिकों को ज्ञान का प्रतिनिधि, जो क्रांति के लिए छटपटाने वाले सामाजिक क्रांतिकारी हैं, उनको कर्म का और हृदयों का स्पर्श करने वाले साहित्यकार, कलाकार और पत्रकारों को भक्ति का प्रतीक मानता हूँ। वे अवश्य अल्पमत में हैं, लेकिन सृजनात्मक अल्पमत ही दुनिया को बदल सकेगा। मैं आपको अर्नल्ड टॉयनबी की याद दिलाना चाहता हूँ। जब उन्होंने विश्व के इतिहास का अपना मोटा ग्रंथ लिख डाला तो उसका समाहार किस तरह से करें, अंत में क्या लिखें, उन्होंने अपने निष्कर्ष से लिखा है कि मानव जाति विनाश के कगार पर खड़ी है, लेकिन इससे रक्षण का कार्य, नवरचना का कार्य एक सृजनात्मक अल्पमत के, क्रिएटिव माइनॉरिटी शब्द उन्होंने दिया, सृजनात्मक अल्पमत। और मैं समझता हूँ मानवतावादी वैज्ञानिकों, सामाजिक क्रांतिकारियों और हृदयवान साहित्यकारों की ये जो जमात है, यही वो सृजनात्मक अल्पमत है। मैं सब विवेकशील लोगों का अपने साथ मानवता की रम रचना के लिए इस अल्पमत में शामिल होने का आह्वान करता हूँ। बहुमत की तरफ सब जाते हैं, मैं आप सबका अल्पमत में शामिल होने के लिए आह्वान करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनकी स्मृति में आज हम यहाँ जमा हुए हैं, इस अल्पमत के प्रतिनिधि थे। इन शब्दों के साथ मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आप सबके चरणों में अपना प्रणाम।